नमस्ते इस नेक्स्ट फ्लो और एन एफ कोर्स समुदाय द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण के तीसरे सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है Uh, कुछ मेरे बारे में मेरा नाम अभिनव शर्मा है और मैं uh, चार साल से नेक्स्ट फ्लो का अनुभव रखता हूं दो साल से एन एफ कोर में के साथ मैं एज अ वॉल्टियर जुड़ा हुआ हूं uh, फिलहाल मेरे दो एफिलियशंस हैं पहली कि मैं पीएचडी स्टूडेंट हूं स्टेलन बॉश यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका में और दूसरा मैं बायोन्थेमेटिक्स कंसल्टेंसी भी ऑफर करता हूँ बायोशाप डॉट नेट के माध्यम से uh, अगर आप हिंदी में बायोन्थेमेटिक्स ट्यूटोरियल को लेकर इच्छुक हैं तो आप हमारे uh, चैनल को फॉलो कर सकते हैं इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और कल के अभी तक जो भी हमने सेशंस कवर कर रहे हैं उनका छोटा सा रिकैप करते हैं पहले सेशन में हमने नेक्स्ट फ्लो के बेसिक्स को देखा था उसकी एक, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने रिप्रोड्यूसिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी को स्ट्रेस करा था कि आप कैसे नेक्स्ट फ्लो को यूज करके अपने साइंटिफिक डेटा एनालिसिस को रिप्रोड्यूसेबल और पोर्टेबल बना सकते हैं इसके साथ हमने हेलो डॉट एन एफ स्क्रिप्ट के ज़रिए गिटपॉट uh, पर एक नेक्स्ट uh, फ्लो के साथ uh, हमने uh, अपना प्रोसेस uh, स्टार्ट करा था जिसके थ्रू हमने देखा था कि एक स्क्रिप्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बाद हमने इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करा था स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक आरएनए एन पाइपलाइन बनाने के लिए दूसरे सेशन में हमने एन एफ़ कोर कम्यूनिटी के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था और हमने ये भी देखा था कि एज़ ए यूज़र आप एन एफ़ कोर के जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उन, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस में इसके साथ हमने ये भी देखा कि अगर आप एन एफ़ कोर की कम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपके लिए एन एफ़ कोर टूल्स किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है इसके बाद Uh, हमने फाइनली एन एफ़ कोर मॉड्यूल्स और सब वर्कफ्रोस प्रोजेक्ट को देखा था जिसके थ्रू आप uh, अपने अपने कस्टम पाइपलाइंस में या जो पाइपलाइंस आप एन एफ कोर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या ऑलरेडी uh, कोलैबोरेट कर रहे हैं उनमें नए मॉड्यूल्स स्पेशली एन एफ कोर के स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एन एफ़ कोर में जैसे कि आपको याद होगा एट हंड्रेड थर्टी टू मॉड्यूल्स हैं अभी और uh, और आ, सब वर्क का भी एक पंद्रह या बीस सब वर्क फ्लोज हैं लेकिन ये नंबर जो है ये बहुत जल्दी से ऊपर बढ़ रहा है क्योंकि कम्युनिटी जैसे जैसे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करती है तो ये आ, ये जो नंबर है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा आ, इसके बाद आज हम नेक्स्ट फ्लो के कॉन्सेप्ट की तरफ वापस बढ़ेंगे और उन्हें और गहराई में देखेंगे आ, पहले हम कवर करेंगे डिपेंडेंसीज और कंटेनर्स के बारे में उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फ्लो के चैनल प्रोसेस और ऑपरेटर्स जो कि कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आ, उसके बाद हम थोड़ा से बात थोड़ी सी बात करेंगे ग्रुवी लैंग्वेज की जो नेक्स्ट फ्लो की फाउंडेशन है ग्रूवी लैंग्वेज को यूज़ करके नेक्स्ट फ्लो लैंग्वेज का क्रिएशन हुआ है अगर आप नेक्स्ट फ्लो लैंग्वेज में एडवांस चीज़ें करना चाहते हैं तो ग्रूवी की थोड़ी बहुत नॉलेज आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है उसके बाद हम बात करेंगे मॉडुलराइजेशन की शायद आपको याद हो कि कल हमने जैसे ही मॉड्यूल्स या सब वर्क फ्लोज इंस्टॉल करे थे हमारी पाइपलाइन में डेव फ्लो पाइपलाइन में उसे आपने कैसे अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करा था तो आज हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से बात करेंगे इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस इवेंट के दौरान कोई भी सवाल है या दुविधा है तो आप हमें मार्च ट्वेंटी थ्री ट्रेनिंग हिंदी चैनल पर रीच आउट कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आप इंग्लिश में भी रीच आउट कर सकते हैं मार्च uh, 2023 की ट्रेनिंग एन एफकोर और नेक्स्लो uh, समुदाय ने पांच विभिन्न भाषाओं में आयोजित की है जैसे इंग्लिश हिंदी पुर्तगाली फ्रांसीसी और स्पेनिश uh, uh, इसके साथ uh, आपको ये बताना चाहूँगा कि हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं और आज के लिए हम वापस अपने पहले सेशन के ट्रेनिंग मटेरियल को एक्सेस करेंगे जिसका लिंक है ट्रेनिंग तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो so, इस मॉड्यूल में हम नेक्स्ट फ्लो ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन को फिर से एक्सेस करते हैं और हम हम कंटिन्यू करेंगे जो बेसिक नेक्स्ट फ्लो ट्रेनिंग वर्कशॉप है उसके मटेरियल के साथ आ, लेकिन उससे पहले हम हम वापस अपने गिट पॉड इन्वायरमेंट को स्टार्ट करेंगे ये कल के गिट पॉड इन्वायरमेंट से अलग है जो कि एन एफ को स्पेसिफिक गिट पॉड इन्वायरमेंट था आज हम वापस अपने पहले सेशन के गिट पॉड इन्वायरमेंट में आए हैं और हम यहाँ से जैसे ही आप आ, गिट पॉड को स्टार्ट करेंगे आ, गिट पॉड थोड़ा सा टाइम लेगा आ, स्टार्ट होने में लेकिन आ, हो सकता है कि आप आ, नया गिट पॉड इन्वायरमेंट बनाएँ या फिर आ, जो आपका पिछला गिट पॉड इन्वायरमेंट था उसी से रिस्टार्ट कर सकते हैं दोनों चीज़ें वैलिड हैं आ, लेकिन जब तक गिटपॉड लोड होता है हम इस ट्रेनिंग मटेरियल के बारे में बात करते हैं वापस तो आज हमारा मेन टॉपिक होगा अभी के लिए कंटेनर्स और डिपेंडेंसीज़ uh, मैनेजमेंट uh, एक साइंटिफिक वर्क फ्लो के एग्जीक्यूशन के दौरान तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में इसके ओवरव्यू uh, को देखें उसमें से हम टॉपिक कवर करेंगे मैनेजिंग डिपेंडेंसीज़ एंड कंटेनर्स तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि डिपेंडेंसीज़ का मतलब क्या है तो डिपेंडेंसीज जो होती है उसका मतलब ये है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं वो दूसरे सॉफ्टवेयर के एक वर्जन पर डिपेंड करता है तो शायद हम इसे अच्छे से समझा सकें अगर हम ड्रॉ करें तो इस सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं सॉफ्टवेयर ए और सॉफ्टवेयर ए डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर बी पर सॉफ्टवेयर बी पर जो कि खुद डिपेंड करता है सॉफ़्टवेयर सी पर आप देख सकते हैं कि अगर आप सिर्फ़ सॉफ्टवेयर ए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर बी का का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर सी का भी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा तो ये जो चेन बनती है एक सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी दूसरे सॉफ्टवेयर की के, एक सॉफ्टवेयर की जो दूसरे सॉफ्टवेयर पे आ, इंस्टॉलेशन की चेन बनती है इसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी सो so, तो अगर आप आ, मान 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 लेते हैं कि अगर आप सैम टूल्स या बी डब्ल्यू मैम को यूज़ करना चाहते हैं तो उनकी जो डिपेंडेंसीज होगी अगर वो करेक्टली इंस्टॉल्ड हैं तभी ये टूल्स आपके पाइपलाइन के अंदर सही से काम करेंगे इसका मतलब ये है कि एक डिपेंडेंसी की ओवरऑल चेन होती है जो कि हमें रिप्रोड्यूसबल बनानी है तो इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है जिसे हम कंटेनर्स के नाम से जानते हैं तो कंटेनर्स क्या करता है कंटेनर्स आपको आप उसे एक तरह से बॉक्स की तरह समझ सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको एक ऑपरेटिंग uh, सिस्टम मिलेगा एक छोटा बॉक्स मिलेगा यहाँ पर जिसे अगर हम ड्रॉ करें तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं लिनक्स कंटेनर अभी के लिए हम, uh, खाली लिनक्स कंटेनर की कंटेनर की बात करेंगे लेकिन विंडोज़ कंटेनर भी होते हैं uh, और आ, लेकिन ज़्यादातर साइंस में लिनक्स ओपन सोर्स और रिप्रोड्यूसबल वर्कलोड्स में लिनक्स कंटेनर्स का ही यूज़ होता है आ, तो अगर आप कंटेनर की बात करें तो एक डॉकर कंटेनर हो गया या फिर पॉडमैन कंटेनर हो गया उनके अंदर एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे ये ये पूरी की पूरी चेन आप इस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपकी आ, मैं इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आप इस बॉक्स को बिल्ड करते हैं और दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो भी अपने कंप्यूटर पे चाहे वो जो भी कंप्यूटर हो उनका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो विंडोज़ का कोई भी वर्जन मैक का कोई भी वर्जन या लिनक्स का कोई भी वर्जन अगर उनके पास डॉकर इंस्टॉल्ड है या फिर आ, हो सकता है पॉडमैन अगर आप पॉडमैन कंटेनर्स के साथ काम कर रहे हैं या फिर सिंगलैरिटी कंटेनर्स अगर वो अंडरलाइंग कंटेनर सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो वो आपके एनालिसिस को 100% परसेंट रिप्रोड्यूस कर सकेंगे आ, ये शायद आपको याद होगा कि हमने पहली प्रजेंटेशन में नेक्स्ट फ्लो इनेबल्स रिप्रोड्यूसबल कंप्यूटेशनल वर्कलोड्स उस वो नेचर बायोटेक्नोलॉजी का एक में एक पब्लिश पेपर है उसके बारे में हमने बात करी थी हमने देखा था कि आ, अगर आप कंटेनर्स और कंटेनर्स को कम्बाइन करते हैं अपने वर्कलोड और कंटेनर्स को यूज़ करते हैं अपने वर्कलोड्स में तो आप 100 परसेंट रिप्रोड्यूसबिलिटी अचीव कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कंटेनर्स का इसके साथ साथ हम थोड़ी देर में बात करेंगे कौंडा की आ, लेकिन अभी के लिए हम कंटेनर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे तो कंटेनर्स जो है लिनक्स के कर्नल वर्जन 2.6 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम था कंट्रोल ग्रुप्स तो कंट्रोल ग्रुप्स एक तरह से कंटेनर सिस्टम्स की फाउंडेशन है आज के टाइम पे जो सबसे पॉपुलर कंटेनर सिस्टम है वो है डॉकर। लेकिन आप आ, अपने क्लस्टर्स पे हो सकता है आपको सिमलैरिटी कंटेनर हो आपके पास या फिर पॉडमैन कंटेनर हो तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्लस्टर का सेटअप किस हिसाब से है लेकिन अगर आप क्लाउड पर एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो आपको ज़्यादातर डॉकर एग्जीक्यू डॉकर बेस्ड कंटेनर सिस्टम्स मिलेंगे इसके साथ हम किट पॉड की तरफ वापस जाते हैं और देखते हैं कि हमारा वर्क लोड हुआ कि नहीं वर्क हमारा लोड हो चुका है आप हम फिर से इन चीज़ों को बंद करेंगे और आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो सेशन वन में हमने जो भी काम करा था वो एक तरह से रिन्यू हो चुका है और उसकी आ, कोई कॉपी नहीं है अभी लेकिन अगर आप चाहें तो गिट पॉट पर जाकर उस स्पेसिफिक उस स्पेसिफिक गिट पॉड इन्वायरमेंट को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं मैं आपको उसका छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ आप गिट पॉट पर जाएंगे जैसे ही आप अपना डैशबोर्ड देखेंगे और डैशबोर्ड में से आप कुछ भी आ, री स्टार्ट कर सकते हैं जैसे इनएक्टिव वर्क में आ गया जो हमारी ट्रेनिंग दो दिन पहले की थी वो यहाँ पर सेव्ड है आप चाहें तो इसे री स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जैसे कि मैंने अभी करा है नया वर्क स्पेस स्टार्ट करा है आप वो भी कर सकते हैं आ, तो ये टेम्प्रेरी वर्क हैं जब तक आप एक्टिवली uh, यूज़ करेंगे तब तक ये एग्जिस्ट करेंगे uh, आपको 60 घंटों की लिमिट मिलती है गिटपॉड की तरफ से जो आप गिटपॉड uh, का फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं uh, उसके बाद वो कंटे वो वर्क स्पेस डिलीट कर दिया जाता है इसके बाद हम वापस आते हैं अपने गिटपॉड पर पोर्ट्स की टैब को हम बंद करेंगे इनवायरमेंट एक्सप्लोर uh, को हम uh, एक्सप्लोरर का जो कंटेंट है उसे हम पहले देख चुके हैं इस फोल्डर के अंदर डेटा है हमारा और जो नेक्स्ट फ्लो स्क्रिप्ट हैं आर एन की स्क्रिप्ट्स और हेलो की स्क्रिप्ट वो भी हमने यहाँ पर कवर करी हैं अब हम आ, क्या करेंगे अब हम अपना फेस शॉट को मूव करेंगे और एक नया आ, एडिटर टैब खोलेंगे और इस साइड में हम स्टार्ट करते हैं अपना आ, कोई स्क्रिप्ट खोल के देखते हैं जैसे स्क्रिप्ट टू है अगर हम स्क्रिप्ट टू को खोलते हैं तो ये पहली बार था कि हमने कंटेनर्स का यहाँ पे यूज़ करा था क्योंकि बिना कंटेनर्स के अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे ये स्क्रिप्ट फेल होगी तो अच्छा आइए देखते हैं कि नेक्स्ट फ्लो का कौन सा वर्जन है हमारे पास नेक्स्लो माइनस वी इसके साथ मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से विजिबल हों नेक्स्ट फ्लो का हमारे पास वर्जन है ट्वेंटी पॉइंट टेन पॉइंट सिक्स तो ये लेटेस्ट टेबल वर्जन है पहले से और हम इस वर्जन के थ्रू अगर इस पाइपलाइन को पहले देखते हैं हम कहाँ पे हैं यानी ट्रेनिंग हम सही फोल्डर में हैं हमारे पास सही कंटेंट है तो अगर हम इस पाइपलाइन को रन करके देखें इस स्क्रिप्ट को रन करके देखें तो ये हमें रेगी आपने ये देखा है कि एरर जो मैसेज आता है वो हमें बता रहा है कि सॉलमन टूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है जो कि सही बात है क्योंकि सैलमन अगर आप यहाँ पे टाइप करें सैलमन तो भी आपको सेम एरर मैसेज मिलेगा बैश इंटरप्रेटर आपको बताएगा कि सैलमन कमांड नॉट फाउंड इसका मतलब सैलमन इंस्टॉल नहीं है या फिर वो आपके पाथ में नहीं है लेकिन इस केस में सैलमन असल में इंस्टॉल नहीं है तो आपको दूसरे पाथ में चेक करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप नेक्स्ट फ्लो में नेक्स्ट फ्लो की जो डॉट कॉन्फिक स्क्रिप्ट है उसे खोलें आ, जो नेक्स्ट फ्लो कॉन्फिक है इसे खोलें और यहाँ पर डॉकर डॉट इेबल ट्रू कर दें इेबल्ड ट्रू कर दें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस बार एग्जीक्यूट करेंगे सेम कमांड को तो वो नेक्स्ट फ्लो रन तो वो फिर से इस बार वो पूरी तरह कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगी स्क्रिप्ट टू आपने जैसे देखा कि स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई इसके साथ हमने एक लाइन के चेंज से हमने नेक्स्ट को ये बोला कि जो भी डॉकर के स्पेसिफिक हमने चीज़ें बताई हैं फ्लो को जैसे कंटेनर हो गया या रन ऑप्शन हो गया वो अब इनेबल करने का टाइम आ चुका है तो आप ये आ, जो डॉकर को इनेबल करने की सेटिंग है वो आप नेक्स्फ्लो डॉट के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप अगर इसे नहीं करना चाहते आप जल्दी जल्दी आप रैपिड टेस्टिंग स्टेज पे हैं तो आप विथ डॉकर कमांड का यूज़ कर सकते हैं फ्लो में और उसमें आप डायरेक्टली कंटेनर का नाम दे सकते हैं तो अभी भी सेम कमांड Uh, अभी भी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन जो आपके रिजॉल्व कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है और आपका रिजल्ट भी करेक्ट आएगा क्योंकि आपने नेक्स्लो को बोला कि डॉकर को इनेबल करना है और ये कंटेनर यूज़ करना है और रन करना है स्क्रिप्ट को तो इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जो भी नेक्स्लो डॉट कॉन्फिग में हमारा स्कोप्स का कॉन्सेप्ट होता है शायद आपको सेशन टू से याद हो तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं डॉकर डॉट रन ऑप्शन डॉकर डॉट इसे हम एक ही स्कोप में रख सकते हैं और इसे ओवरऑल कंबाइन कर सकते हैं इस फॉर्मेट को यूज़ करके अब अगर आप फिर से इसे रन करना इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे इस बार हमें विथ डॉकर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कॉन्फ़िग फाइल में इनेबल करा है अगर आप इसक्रिप्ट स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह फिर से रन होती है आ, इसी तरह से आप चाहें तो कंटेनर के साथ भी प्रोसेस स्कोप के साथ भी ऐसे ही कंटेनर का स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं नेक्स्ट फ्लो कॉन्फ़िग में आ, और अब हम बात करेंगे अब हम वापस अपने ट्रेनिंग की तरफ आते हैं और मैं यहाँ पर ट्रेनिंग मटेरियल को बंद करके प्रॉपर पेज पे जाऊंगा अब हम बात करते हैं सिर्फ डॉकर की अभी के लिए तो डॉकर एक कंटेनर आ, सिस्ट आ, कंटेनर प्लेटफॉर्म है और आप डॉकर इमेज बनाते हैं डॉकर इमेज से कंटेनर बनता है और उस कंटेनर को आप रन कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ इमेज को आप एक कंटेनर की ब्लू की तरह समझ सकते हैं तो जैसे ही अगर आप कोई कंटेनर रन करना चाहते हैं ये एक स्टैंडर्ड हेलो वर्ल्ड कंटेनर है आप इसे अगर डॉकर पहले देखते हैं डॉकर का वर्जन डॉकर वी हमारे पास 20.10.17 वर्जन है अगर आप इस वर्जन को यूज़ करके हेलो वर्ल्ड को रन करना चाहते हैं तो आप सिंपली नेक्स्ट डॉकर रन हेलो वर्ल्ड टाइप करिए और डॉकर चेक करेगा कि आपकी मशीन में क्या ये कंटेनर पहले से इन्वॉल्व है पहले से इंस्टॉल्ड है अगर ये कंटेनर अवेलेबल है टेक्निकली ये इमेज अवेलेबल है तो उस इमेज को यूज़ करके कंटेनर बनेगा आ, और अगर ये कंटेनर इन्वॉल्व इंस्टॉल नहीं है तो डॉकर जो है डॉकर हब पर जाके इस कंटेनर को डाउनलोड करेगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी हेलो वर्ल्ड तो ये जो एक्सपीरियंस है डॉकर कंटेनर्स को मैनेज करने का ये शायद आपको फमिलियर लगे क्योंकि नेक्स्ट फ्लो एक फ्लो पाइपलाइन को भी इसी तरह से मैनेज करता है नेक्स्ट फ्लो रन और आप पाइपलाइन का नाम दे सकते हैं फ्लो पुल पाइपलाइन का नाम दे सकते हैं ऐसे ही डॉकर के साथ सेम कॉन्सेप्ट है हमारा अब अगर हम आ, आगे बढ़ें आ, फिर से एक बार रन करके देखते हैं इस बार इंस्टॉल नहीं हुआ इस बार जो आपकी लोकल कॉपी थी हेलो वर्ल्ड की वो डॉकर ने आइडेंटिफाई करी और रन करी अब अगर आप कंटेनर को पुल करना चाहें एक्सप्लिसिटली रन नहीं करना आपको खाली पुल करना है तो आप इस तरह की कमांड को कॉपी कर सकते हैं डॉकर पुल और उस इमेज का नाम दे सकते हैं तो ये डेबियन जो है ये लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है सिमिलर टू उभुंतु सेंट ओ एस पेदोरा तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का आ, का एक कंटेनर बना हुआ है उस कंटेनर का एक वर्जन है स्ट्रेच स्लिम उसे आप कॉपी कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं लोकली तो अभी हम इसे रन नहीं करना चाहते हम खाली पुल करना चाहते हैं जैसे कि हमने नेक्स्ट पाइपलाइन के साथ पहले करा था मैंने दो बार दो बार डॉकर पुल कहा है तो मुझे इस कमांड को बस करेक्ट करना है और अब ये कमांड रन होगी तो जैसे ही कंटेनर ये कमांड हमने रन करी डॉकर ने डॉकर हब पर जाके उस कंटेनर को आ, उस उस इमेज को डाउनलोड करा तो अब आपके सिस्टम में वो इमेज पहले से है आप ये कंफर्म कैसे कर सकते हैं डॉकर इमेज एलएस अब आप देख सकते हैं तीन आपके पास इमेजेस हैं यहाँ पे जो कि बिल्कुल करेक्ट है अब अगर आप देखना चाहें कि डॉकर कंटेनर एलएस आपके पास कंटेनर कोई नहीं है इसका मतलब अभी कोई कंटेनर रन नहीं कर रहा इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने ब्लू डाउनलोड करा है जिसे हम इमेज कहते हैं डॉकर की टर्मिनोलॉजी में उस ब्लू को इस्तेमाल करके कोई बॉक्स अभी क्रिएट नहीं हुआ अगर कोई बॉक्स रन कर रहा होगा उस टाइम पर तो डॉकर कंटेनर एलएस कमांड आपको उस बॉक्स की के बारे में बताएगी तो अब हम जल्दी से आ, एक एग्जांपल लेते हैं इंटरैक्टिव मोड का जिसमें हम एक कंटेनर हम एक इमेज को इंटरटिवली लॉन्च करेंगे जिसके वजह से हम कंटेनर के अंदर जा सकते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें इस कमांड को पेस्ट करें डॉकर रन आई का मतलब है इंटरक्टिव और उस इमेज का नाम दिया आपने जो आप रन करना चाहते हैं उसके बाद उस इमेज के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप रन करना चाहते हैं आप उसका भी नाम यहाँ दे सकते हैं जैसे ही आप ये कमांड टाइप करते हैं एंटर करते हैं तो आपके पास प्रॉम्प्ट बदल जाएगा आपका बैच का प्रॉम्प्ट बदल जाएगा क्योंकि अब आप डॉकर के अंदर हैं अगर मैं कहूँ पी डब्ल्यू डी अब तो आप आप ये देख सकते हैं कि मैं रूट फोल्डर के अंदर हूँ लेकिन आइए एक दूसरा टर्मिनल स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं डॉकर कंटेनर एलेस का आउटपुट अब आप देखिए कि एक कंटेनर हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कि रन कर रहा है अभी जो हमने दूसरे टर्मिनल में स्टार्ट करा है तो आप ये देख सकते हैं कि इमेजेस के साथ इमेजेस की लिस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं और कंटेनर्स की लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं इसके अलावा हम अब उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम अपनी खुद की एक डॉकर फाइल बना सकें और डॉकर इमेज क्रिएट कर सकें तो हम क्या करेंगे हम एक डॉकर फाइल को क्रिएट करेंगे और उसमें ये कंटेंट कॉपी करेंगे हम एक डॉकर फाइल को क्रिएट करते हैं कोड डॉकर फाइल अगर आप कोड जैसे वी एस कोड विजुअल स्टूडियो कोड में लॉजिक का जो कमांड लाइन टूल है वैसे ही गिट पॉट के अंदर आप कोड अगर टाइप करें तो आप उस फाइल को खोल सकते हैं लोकली कोड डॉकर फाइल अब ये फाइल जैसे ही क्रिएट हो गई है हम यहाँ पर जो कंटेंट कॉपी करा था उसे पेस्ट कर देते हैं और अगर आप अपना ईमेल आईडी और नाम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं मैं अभी के लिए अपना ऐड करूँगा जैसे टेम्प ईमेल डॉट कॉम या फिर अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं अभिनव शर्मा जैसे ही हमने ये डॉकर फाइल को फाइनलाइज करा हम सेव करते हैं और उस डॉकर फाइल को यूज़ करके अब हमें एक डॉकर इमेज बनाएंगे उसके लिए स्पेशल कमांड होती है डॉकर बेल्ट उसके अंदर अब आप टैग दे सकते हैं एक टैग जैसे हम दे सकते हैं माई इमेज और उसके बाद डॉट तो अब जो है आप डॉकर उस रेसिपी को यूज़ करेगा एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए तो पहली पहला स्टेप था कि इसे एक पुल करना था एक डेबियन स्ट्रेच स्लिम इमेज को आप एक इमेज से स्टार्ट करके दूसरी इमेज बना सकते हैं तो इमेज की लेयर्स होती हैं डॉकर कंटेनर्स या दूसरे कंटेनर्स में भी अब आपने ये देखा कि स्टेप वन हमारे पास पांच स्टेप्स हैं क्योंकि पांच लाइंस ऑफ कोड हैं इस फाइल में स्टेप वन फ्रॉम लेबल इस बार और हर बार इंटरमीडिएट कंटेनर बन क्रिएट uh, होता है रन होता है और डॉकर उसे रिमूव कर देता है इंटरमीडिएट कंटेनर को uh, ऐसे ही अब uh, नाम शायद गलत है लेकिन कोई बात नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ने उस रेसिपी को यूज़ करा और इमेज का क्रिएशन कर दिया है अब आप इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं किसी भी दूसरी इमेज की तरह आप इस इमेज को इंटरैक्टिवली रन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वापस पिछले टर्मिनल में जाके यहाँ पर इस कंटेनर के बैच शेल से बाहर आकर आप दूसरे जो हमने अभी कंटेनर अभी हमने इमेज बनाई है उसको रन कर सकते हैं जैसे लेटेस्ट अब हम उस कंटेनर के अंदर आ चुके हैं और ये अगर आप वापस दूसरे शेल में जाएं और डॉकर कंटेनर एलएस करें तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो कंटेनर रन हो रहा है वो उसका ब्लूप्रिंट इमेज माय इमेज जिसका टैग है लेटेस्ट तो आप एक फिर से इस कंटेनर को बिल्ड कर सकते हैं दूसरे टैग के साथ जैसे अगर आप चाहें तो हम कह सकते हैं v1 इस बार आप ये देखेंगे कि फिर से ये कंटेनर बिल्ड हो रहा ये इमेज बिल्ड हो रही है थोड़ा सा टाइम लगता है बिल्ड होने में और जैसे ही इमेज बिल्ड हुई अब आपके पास इसका इस इमेज का एक और वर्जन आ चुका है अगर आप चाहें तो इसे भी रन कर सकते हैं इंटरैक्टिवली और इसके अंदर हम बैच इंटरप्रेटर को स्टार्ट करेंगे अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो टर्मिनल्स के अंदर माई इमेज के दो डिफरेंट वर्जन रन हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि अगर आप सैम टूल्स को पाइपलाइन में एक सैम टूल्स का वर्जन वन एक जगह पे यूज़ करते हो अपनी पाइपलाइन में उसके साथ आप सैम टूल्स का वर्जन टू अपनी पाइपलाइन में यूज़ कर सकते हैं दूसरी जगह क्योंकि ये जो कंटेनर सिस्टम्स हैं एक दूसरे से पूरी तरह आइसोलेटेड हैं इसकी वजह से आपके पास सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस की डिपेंडेंसीज की जो प्रॉब्लम होती है डिपेंडेंसी हेल कहते हैं जिसे जनरली वो अराइज नहीं होती है। तो इसके साथ अब हम अपने इस कस्टम डॉकर इमेज में अपने, अपने जूस केस के हिसाब से टूल्स बंडल कर सकते हैं आ, आपको शायद याद हो स्क्रिप्ट नंबर टू में आ, जो एन ए सीक सेशन वन का जो लास्ट मॉड्यूल था आर एन ए पाइपलाइन को डेवलप करना आ, उसमें स्क्रिप्ट नंबर टू जो थी उसमें हमने सैलमन टूल का यूज़ करा था और इस पूरी स्क्रिप्ट में कुछ पैरामीटर्स हैं और ये लॉगिंग स्टेटमेंट है और एक प्रोसेस है और एक वर्क फ्लो है जो कि अकेले इकलौते इंडेक्स का यूज़ करता है तो अब अगर हम इस स्क्रिप्ट के अंदर इस कंटेनर को यूज़ ना करके अपना कंटेनर यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं सबसे पहले इस पूरे पूरे एरिया को कमेंट आउट कर सकते हैं हम कमेंट कर देते हैं उसके बाद हम वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ़ और हम देखते हैं सेक्शन 4.1.6 जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम एक टूल को कंटेनर इमेज में बंडल कैसे कर सकते हैं तो आइए इसे बंडल करते हैं आ, हमने ऐड करा और अब हम यहाँ पर कह सकते हैं डॉकर बिल्ड इट माय इमेज लेटेस्ट ओ बिल्ड के साथ हमें इट का यूज़ नहीं करना क्योंकि बिल्ड इंटरैक्टिव प्रोसेस नहीं है हमें यहाँ पर एक डॉट देनी है और इसके बाद बिल्ड के बाद डॉट माइनस टी का यूज़ करना है क्योंकि ये टैग है इस इमेज को हम बिल्ड बिल्ड करते हैं शायद मैंने कोई गलती करी है यहाँ पर बिल्ड डी नॉट टी तो यहाँ पर अब ये इमेज हमारी सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है अब आप देख सकते हैं कि हम इस इमेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसे मैं मूव कर देता हूँ स्क्रीन के टॉप लेफ़्ट टॉप राइट पर अब हमारे पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस है तो हम इसका यूज़ करेंगे तो जैसे ही हमने ये इमेज बिल्ड करी है अब आप क्या कर सकते हैं डॉकर रन पहले हम बात करते हैं कि कंटेनर के अंदर के टूल और बाहर के टूल्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं तो अगर मैं आपको एक एक विजुअल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप ये देख सकते हैं कि जो लिनक्स कंटेनर है हमारा जो डॉकर फाइल है वो कंटेनर की रेसिपी है और हमारा स्टार्टिंग इमेज जो है उस कंटेनर के अंदर वो है डेबियन लिनक्स की इमेज ठीक अगर आप उस इमेज को यूज़ करके उसके अंदर काउ से इंस्टॉल करते हैं या फिर अपने सिस्टम में काउ से इंस्टॉल करते हैं तो वो अलग अलग टूल्स हैं आइए देखते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में कि क्या हमारे सिस्टम में काउ से इंस्टॉल्ड है कि नहीं काउ से इंस्टॉल्ड है हमारे केस में लेकिन अगर आपके केस में इंस्टॉल नहीं है तो आप sudo apt install काउ से कमांड इशू करके इस काउ से टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसे तो अब आगे बढ़ते हैं काउ से का यूज़ क्या है अगर काव से काओ से एक तरह से एक फैंसी इको एको करने का तरीका है तो आप देखें देखेंगे अगर आप काओ से कोई कमांड देते हैं या कोई भी सेंटेंस देते हैं तो वो एक डिज़ाइन प्रिंट करता है इस केस में काओ जो डिफॉल्ट है और आपको वो जो आपने सेंटेंस बोला है वो एक तरह से काओ से वो सेंटेंस बुलवाता है तो आप सेम चीज़ जो है एक्ो से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें डिज़ाइन नहीं होती ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल है देखो तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो बिहेवियर है थोड़ा सा डिफरेंट है आ, लेकिन अब अगर हम कंटेनर के अंदर वाले काउसे को रन करना चाहते हैं क्योंकि कंटेनर के हमने कंटेनर uh, के अंदर हमने काउसे इंस्टॉल करा है हमने कर्ल भी इंस्टॉल करा है लेकिन हम खाली काउसे का यूज़ करेंगे उसके बाद सालमन का यूज़ करेंगे तो आइए कंटेनर के अंदर से रन करके देखते हैं काउसे काउ से टूल को तो कंटेनर को रन करने के लिए हमारी कमांड है रन हमें इंटरक्टिवली रन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस टूल को रन करके एग्जिट करना चाहते हैं वापस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आना चाहते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं काउ से अभी हमने कुछ नहीं दिया था अब हम बोलेंगे काउ से फ्राम टॉकर तब आप ये देख सकते हैं कि आप आपने एक टूल को जो भी टूल हो सकता है जो भी टूल हो आपने उस टूल को एक कंटेनर के अंदर बंडल करा और उस कंटेनर को यूज़ करके आप उस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका मतलब उस टूल की सारी डिपेंडेंसीज जो हैं उस कंटेनर के अंदर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है वो लेयर आपके कंटेनर की लेयर से अलग है आ, इसका एक इसका एक इम्पैक्ट है हमारे वर्क पर कि जो हमारे कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं जो आपने अपने कंप्यूटर में फ़ाइल सिस्टम में फाइल्स रखी हैं वो आपके कंटेनर को बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल नहीं है क्योंकि ये सपरेट कम्प्लीटली सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं और जितना सेपरेट हो सकते हैं उतना है uh, तो अब हमारे अगले स्टेप ये है कि हम सैलमन टूल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और कंटेनर के अंदर और बाहर से रन करके देखते हैं तो अब अगर हम इस कंटेनर में सालमन का वर्जन देखें तो ये हमें प्रिंट करके देता है सैलमन का वर्जन है 1.5.2 लेकिन अगर मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सैलमन का वर्जन देखना चाहूँ तो मुझे करेक्टली बैच बताएगा कि सलमन मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है लेकिन एक कंटेनर के अंदर इंस्टॉल्ड है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम क्या करते हैं एक बार वापस अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर जाते हैं और सालमन को जैसे हमने रन करके देखा आ, आ, जैसे हमने पहले बैच को भी रन करा था आप सालमन को रन कर सकते हैं डायरेक्टली नॉन इंटरएक्टिव सेशन में आप चाहें तो इंटरएक्टिव सेशन में भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर आप जब आप इंटरएक्टिव सेशन में एंटर करेंगे एक कंटेनर में तब तो आपको एक टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी तो टर्मिनल के साथ आप ये कैसे तो आपको ये कमांड ऐड करना होगा एक तो रन माइनस एट और इंटरैक्टिव और उसके बाद जो एंड में आप कमांड देंगे यहाँ पर उसको एक टर्मिनल उसको एक शेल का कमा शेल होना चाहिए वो कोई तो इस केस में शेल का नाम है बैश अगर हम इसे रन करें तो रन करने के बाद हम कंटेनर के अंदर आ चुके हो अंदर आ चुके हैं हमने स्टेप इन करा है कंटेनर में और इस कंटेनर के अंदर सालमन अवेलेबल है तो हम इसे देख सकते हैं अब हम कंटेनर के बाहर जाएंगे वापस लेकिन इस बार अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसे अपने कंप्यूटर में जो फाइल जो हमारी फाइल्स हैं जिन्हें हम एनालाइज़ करना चाहते हैं उन्हें हम कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं तो आइए देखते हैं अगर आप इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें तो आप देख सकते हैं ये बोलता हमारे पास एक एरर मैसेज आया है जो कि है द फाइल जी कैल ट्रांसक्रिप्टोम डॉट एफ ए प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसक्रिप्टोम डज नॉट अपीयर टू एग्जिस्ट ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आप कंटेनर के अंदर जाएं चले अंदर चलते हैं फिर से अब आप देख सकते हैं कि फाइ ये फ़ाइल्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है इस कंटेनर के अंदर तो कंटेनर के लिए एक तरह से उसकी आंखों पर पर्दा है वो आपके फ़ाइल सिस्टम को नहीं देख सकता लेकिन आप कंटेनर को ये बता सकते हैं कि वह आपका जो फाइल सिस्टम है या जो करेंट डायरेक्ट्री है आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की उसे एक स्पेशल डायरेक्ट्री में लोड कर सके जैसे माई डेटा तो ये एक एग्ज़ाम्पल है सॉरी uh, हमें इसके आगे एक डैश वी या फिर माइनस माइनस वॉल्यूम को ऐड करना है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आप uh, जैसे ही इंटरेक्टिव मोड में एंटर करते हैं इस वॉल्यूम के साथ अब आपके पास एक फोल्डर होगा माई डेटा नाम का जिसके अंदर आपको सारा डेटा विजिबल होगा तो अब आपने कंटेनर को ये परमिशन दे दी कंटेनर uh, को स्पेसिफाई कर दिया कि वो जो है आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल्स हैं उसको देख सके और उन पर ऑपरेट कर सके तो आइए हम इस प्रोसेस इस कंटेनर से एग्ज़िट करके इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं अब जैसे हम इसी कमांड का यूज़ करके खाली एक फ़ाइल को कंटेनर के अंदर डालेंगे ना कि पूरे फोल्डर को तो आप जो है ये चूज़ कर सकते हैं कौन सी स्पेसिफ़िकली फ़ाइल जो है कंटेनर को विजिबल हो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं और इसके साथ अगर हम इस आ, पूरी कमांड को रन करें तो आप देख सकते हैं कि कमांड इस बार सही तरीके से रन हुई है और जो भी आउटपुट है वो हमारा सेव हुआ है आपके वो जनरेट हुआ था कंटेनर सिस्टम के अंदर लेकिन वो सेव हुआ है आपके और कंटेनर सिस्टम के कॉमन फाइल सिस्टम में तो इसका मतलब जैसे आपके पास एक यूज़ एंड थ्रो टूल है आपने उस टूल को डाउनलोड करा या कंटेनर इमेज को क्रिएट करा यूज़ करा अब आपके लिए उसका कोई यूज़ नहीं है तो आपने कंटेनर को बंद कर दिया आप वो कंफर्म कर सकते हैं कंटेनर एलिस के थ्रू आपने कंटेनर को यूज़ करके बंद कर दिया और आपने डेटा जो जनरेट करा है हो सकता है अगले कंटेनर की तरफ आप बढ़ाना चाहें तो इसी वजह से आ, आपके पास जो है अब कुछ ऑप्शंस हैं जो आप डॉकर डॉकर कंटेनर सिस्टम या कोई भी कंटेनर सिस्टम में आप एक्सेसिबल आप शायद एक्सप्लोर करना चाहें मैं आपको ये जल्दी से बताना चाहता हूँ कि जो वर्क डायरेक्टरी है वो भी आप आ, वो भी आप उसे आ, 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 आप आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसकी वर्क डायरेक्टरी जैसे कि अगर आप लॉग इन करते हैं लॉगिन नहीं इंटरएक्टिवली रन करते हैं इस कंटेनर को तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वर्किंग डायरेक्टरी अभी रूट है पहला स्लैश एक ही स्लैश है इसका मतलब रूट वर्किंग डायरेक्टरी है अगर आप वर्किंग डायरेक्टरी को कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं उसके लिए आपको ये कमांड कॉपी करनी होगी और इसके बाद आप अंदर आ सकते हैं और ये अभी इंटरक्टिव नहीं है इसलिए कुछ कस्टमाइज़ नहीं हुआ लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी थी वो ऑटोमेटिकली हमने पी डब्ल्यू डी Uh, जो करेंट वर्किंग डायरेक्ट्री है उसे हमने कंटेनर uh, की वर्किंग डायरेक्ट्री में ऐड करा उसके बाद जो है हमने कंटेनर को बोला कि जब बैच का सेशन स्टार्ट हो उसे उस पी के अंदर ले जाए इसका मतलब जो ट्रांसक्रिप्टोम फाइल है वो उसके लिए विजिबल होगी अब हम देखते हैं इस फोल्डर uh, के कंटेंट्स की क्या एक्सपेक्टेड कंटेंट्स जनरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं तो अगर आप ये कमांड दें तो आप देख सकते हैं कि सारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हैं वो जनरेट हो चुके हैं और आपने इसके साथ ही एक कंटेनराइज टूल का यूज़ करके अपने डेटा को एनालाइज़ करा है अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि आप कंटेनर्स को आ, कैसे अपलोड कर सकते हैं बेसिकली डॉकर हब जो है वो रिपोजिट्री है बहुत सारे डॉकर इमेजेस के लिए तो आप अपने इमेज बना सकते हैं अपने इमेज या असल में कंटेनर को पुश कर सकते हैं उस डॉकर डिपॉजिटरी पे और हो सक पब्लिकली पुश कर सकते हैं प्राइवेटली पुश कर सकते हैं और जो भी लोग आपके इमेज को यूज़ करना चाहें वो अपनी इमेज आपके इमेज से बना सकते हैं जैसे जो उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है शायद आपने नाम सुना हो उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डॉकर इमेजेस अवेलेबल हैं तो हम क्या कर सकते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम की को बेस बेस की तरह यूज़ करें उसके बाद हम कुछ इंस्टॉलेशंस uh, करें टूल्स की उसके बाद हम जो नया कंटेनर बना उसे भी डॉकर हब पर पब्लिश कर सकते हैं तो अभी ये एक तरह से बोनस कंटेंट है और ऑप्शनल कंटेंट है तो आप इसे कवर कर सकते हैं लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए आपको डॉकर हब हाँ पे कुछ पुश या पुल करने की और ज़रूरत नहीं है अब हम आगे चलते हैं कि जो आपने कस्टम कंटेनर बनाया उसे आप अपनी स्क्रिप्ट के साथ कैसे यूज़ करेंगे तो आइए देखते हैं आ, पहले कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं उसके बाद हम हम ये कवर करते हैं कि जो स्क्रिप्ट टू है उसके साथ हम कस्टम डॉकर इमेज के आ, को लेकर रन करना चाहते हैं उस स्क्रिप्ट को तो आइए देखिए हमने इस स्क्रिप्ट की जो कन्फिग्रेशन है उसमें जो डिफॉल्ट कंटेनर था आ, अभी हमने वो डिसेबल कर दिया तो अभी स्क्रिप्ट के पास कोई कंटेनर नहीं था अगर हम इसे रन करेंगे तो ये फेल होती लेकिन हमने विथ डॉकर कमांड को यूज़ करके अपना जो कस्टम कंटेनर है जिसमें सालमन इंस्टॉल करा है वो हमने इसे बता दिया इसके साथ अगर आप इसे इनेबल भी कर दें तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने कल बात करी थी कन्फिग्रेशन सेक्शन में कि कैसे नेक्स्ट फ्लो डिसाइड करता है कि किस कॉन्फ़िगरेशन की क्या प्रायोरिटी है तो अगर आप ये कमांड नहीं बताते विथ टॉकर हटा भी दें तो भी ये काम करेगा ये स्क्रिप्ट काम करेगी क्योंकि आ, अभी डिफॉल्ट कंटेनर यूज़ होगा लेकिन अगर आप इस कंटेनर को ओवर करना चाहें तो आप इस पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे करके आप नेक्स्ट ब्लॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन की हायर आर्की है और कॉन्फ़िग रेजोल्यूशन का जो जो प्रायोरिटी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने यूजर्स को काफ़ी एबिलिटीज दे सकते हैं ताकि वो आ, चाहें तो कस, आ, कुछ पैरामीटर्स कस्टमाइज कर सकें नहीं तो आप अपना एक बंड डिफ़ॉल्ट बंडल कर सकते हैं इसके साथ हमारा डॉकर और नेक्सफ्लो का यूसेज कंप्लीट होता है हम जल्दी से बात करते हैं सिंगुलैरिटी की जो कि डॉकर की, uh, uh, की तरह एक कंटेनर रन टाइम है लेकिन ये बहुत पॉपुलर है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स में uh, क्योंकि डॉकर जो प्रीवियस वर्जन्स थे या जो इनिशियल वर्जन्स थे उनके लिए एक डीमन उस डॉकर को रन करने के लिए एक डॉकर डीमन की ज़रूरत होती थी जो लिनक्स में रूट प्रोसेस है लेकिन सिंगुलैरिटी वैसे काम नहीं करता आप इसलिए सिंगुलैरिटी की जो पॉपुलैरिटी है वो एच सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा है जैसे हमने डॉकर फाइल के साथ डील करा था आप वैसे ही एक सिंगुलैरिटी फाइल को बना सकते हैं और उस फाइल के अंदर सालमन टूल इंस्टॉल करके अपना इमेज बना सकते हैं जहाँ तक नेक्स्ट फ्लो की बात है आपको सिर्फ ये चेंज कर, आपको नेक्स्ट फ्लो क्योंकि सिंगुलैरिटी जो है किसी भी डॉकर इमेज को यूज़ कर सकता है तो या तो आप एग्जिस्टिंग डॉकर इमेज को यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप सिंगुलैरिटी में यूज़ करना चाहते हैं तो आप डॉकर को कॉमेंट करके असल में एडिट कर लेते हैं हम यहाँ पर नहीं कमेंट करना ज़्यादा सही है तो हम कमेंट कर सकते हैं मल्टीलाइन कमेंट को यूज करके हमने यहाँ पे कमेंट करा और यहाँ पर हम सिंगुलैरिटी यूज़ करेंगे और इस ऑप्शन का अभी हमें हमारे पास यूज़ नहीं है तो हम ऐसे करके रन कर सकते हैं सिंगुलैरिटी के साथ और यहाँ पर अगर आपके पास प्रॉपर सिंगुलैरिटी इमेज बना लिए है आपने तो आप उसका नाम दे सकते हैं जैसे उसका नाम और लोकेशन दे सकते हैं पूरी तरह अगर आपके पास सिंगुलैरिटी इमेज नहीं है जैसे सिंगुलैरिटी इमेज फॉर्मेट तो आप डायरेक्टली डॉकर का भी एक डॉकर इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फॉर्मेट ऐसा है डॉकर कॉलन स्लैश स्लैश और सिंगलारिटी पहले उस इमेज को डाउनलोड करेगा डॉकर हब से और कन्वर्ट करेगा सिंगलारिटी में फिर रन करेगा तो नेक्स्ट फ्लो किस तरफ से आपको मिनिमल चेंज करना है अपनी स्क्रिप्ट में या कन्फिग्रेशन में ताकि आप जो है उस पाइपलाइन को पोर्टेबल बना सकें इसके बाद अब हम बात करते हैं कोंडा और बायोकोंडा की छोटे से ब्रेक के बाद आइए अब हम बात करते हैं कोंडा और बायोकोंडा पैकेजेस की तो जैसे कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि एक सॉफ़्टवेयर की किसी भी सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसीज होती हैं तो आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने इन्वामेंट में तो शायद आपको याद हो गिट पॉड में हमने अभी काउ से को इंस्टॉल करा था लेकिन जो पैकेज मैनेजर हमने यूज़ करा वो था ऑपरेटिंग सिस्टम्स पैकेज मैनेजर जिसका नाम है ऐप्टीट्यूड तो हमने इंस्टॉल करा ए पी टी इंस्टॉल काउ से हो सकता है आपके पैकेज पाके, पैकेज का नाम पैकेज मैनेजर का नाम हो यम या फिर डी पी के जी कुछ भी हो सकता है लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज मैनेजर्स हैं तो मैं यहाँ पर शायद ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेजेस मैने पैकेज मैनेजर्स हैं जैसे ए पी टी यम या आ, अगर आप मैक ओएस यूज़ करते हैं तो शायद आपने ब्रू यूज़ करा हो आ, तो ये औ, और विंडोज़ में एक चौको नाम का पैकेज मैनेजर है तो आप हो सकता है शायद इनका यूज़ करा हो लेकिन इससे हट कर आपके पास जो है और भी पैकेज पैकेज मैनेजर्स होते हैं जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक जैसे कि पाइथन के लिए होता है पिप उसके अलावा भी बहुत हैं लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है वो है पिप आर के आर लैंग्वेज के लिए packrat या फिर install इंस्टॉल डॉट पैकेज जो डेव टूल्स का एक वो है एक एक्सटेंशन है जहाँ तक मुझे याद है इसके अलावा आप जावा के लिए शायद आपने नाम सुना हो मेवन ग्रेडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा और आ, ये जो पैकेज मैनेजर्स हैं ये खाली एक लैंग्वेज के लिए होते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर आप किसी भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक हैं तो आपको जो है आ, अपना सिस्टम आपका जो वर्क फ्लो है वो इतना पोर्टेबल नहीं रहेगा तो इस वजह से एक कंपनी है एनकोंडा नाम की जिसने आ, इन इन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पैकेज मैनेजर बनाया जो लैंग्वेज एग्नोस्टिक है और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्नोस्टिक है जिसका नाम है कौंडा कौंडा तो कौंडा पैकेज मैनेजर जो है ये इस इससे इसको यूज करके आप आर की डिपेंडेंसी डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन की डिपेंडेंसी डाउनलोड कर सकते हैं और जावा की डाउनलोड कर सकते हैं डिपेंडेंसी इसके साथ साथ आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल डिपेंडेंसी भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन सब कुछ एक एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल होगा इसका मतलब अगर हम वापस अपने गिट पाउट इन्वायरमेंट की तरफ जाएँ और टर्मिनल पर कौंडा uh, टाइप करके देखें पहले कि अवेलेबल कौन सा वर्जन हमारे पास अवेलेबल है तो उसके बाद हम इन्वायरमेंट की बात कर सकते हैं अब आप देखते हैं अब हम देखते हैं कि कोंडा के कितने इन्वायमेंट्स अभी अवेलेबल हैं इस सिस्टम में अभी एक लौता इन्वायरमेंट अवेलेबल है जिसका नाम है बेस तो बेस जो है डिफॉल्ट इन्वायरमेंट का नाम होता है कोंडा में और कोंडा एक स्पेशल तरीके से काम करता है क्योंकि हर एक कोंडा पैकेज जो है एक चैनल के अंदर से आता है तो आप सोच सकते हैं एक एक रफ एनालॉजी है कि एक फ्लो का चैनल है जो कि डेटा को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक ले जाता है कुछ ऐसे ही कोंडा का चैनल है जो एक पैकेज को जो पब्लिकेशन चैनल है जिसे आप यूज़ करके एक पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं तो उस एक एक इम्पॉर्टेंट चैनल है जिसका नाम है बायोकोंडा जो कि आप बार बार सुनेंगे बायोकोंडा और बायो कंटेनर्स असल में बायोकोंडा जो चैनल है शायद मुझे बड़ा करना चाहिए बायोकोंडा जो चैनल है वो कोंडा का कोंडा टूल को यूज़ करके आप बायोकोंडा चैनल के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर uh, को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस बारे में अब हम जल्दी से बात करते हैं आ, हम बायोकोंडा प्रोजेक्ट को गिटहब पर खोल सकते हैं बायोकोंडा डॉट डॉट और यहाँ पे आप देखेंगे कि, कि कितने सारे सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं बायोकोंडा के अंदर पहले से तो आप देखें अगर आ, बायो हर एक बायोकोंडा चैनल जो है वो आ, बहुत रिगरस टेस्टिंग के थ्रू अपने पैकेजेस को पब्लिश करता है और उसके साथ हर एक पब्लिश पैकेज के के लिए ऑटोमेटिकली एक बायो कंटेनर बनता है तो एक सिबलिंग प्रोजेक्ट है इसका बायोकोंडा बायो चैनल का जिसे हम कह सकते हैं बायो कंटेनर रिपोजिट्री तो बायो कंटेनर रिपोजिट्री आपको हर एक बायोकोंडा के पैकेज के लिए एक डॉकर और सिंगलारिटी कंटेनर प्रोवाइड कर सकता है तो इसी वजह से बायोकोंडा एक तरह से मॉडर्न रिपोजिट्री है और ये भी कम्युनिटी है नेक्स्ट फ्लो और एन कोर की तरह जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वॉल्टियर एफर्ट करके इन पाइपलाइंस और इन टूल्स को जो है रिप्रोड्यूसिबल बनाते हैं तो आप, आ, आप देख सकते हैं कि इसके 1400 से ज़्यादा कंट्रीब्यूटर हैं और बहुत सारे पैकेजेस हैं शायद नंबर ऑफ पैकेजेस भी अभी मेंशन होगा यहाँ लेकिन इसकी एक पब्लिकेशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं साइट कर सकते हैं जो कि पब्लिश हुई थी नेचर मेथड्स में 2018 में आ, अगर आप बायोकोंडा को सेटअप करते हैं अपने कंप्यूटर में उसके कोंडा को सेटअप करते हैं अपने कंप्यूटर में उसके बाद आपको ये कमांड्स देनी होंगी ताकि आप चैनल्स की प्रायोरिटी सेट कर सकें क्योंकि एक पैकेज जो है दो या तीन चैनल्स में अवेलेबल हो सकता है लेकिन अगर आप प्रायोरिटी सेट करेंगे तो इसका मतलब है आप कोंडा को बता रहे हैं कि टॉप प्रायोरिटी जो है बायोकोंडा को दी जाए उसके बाद या तो डिफॉल्ट को दी जाए या फिर कोंडा फोर्ज चैनल को दी जाए कॉन्डा फोर्ज एक सिबलिंग कम्युनिटी सिबलिंग चैनल की कम्युनिटी है जो बायोकोंडा के साथ बहुत डीपली इंटीग्रेटेड है तो बायोकोंडा एज आप सोच सकते हैं कि बायो बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड पैकेजेस को पब्लिश करता है लेकिन एक जनरल पैकेजेस, जनरल पर्पस पैकेज को पब्लिश करने के लिए आप कॉन्डा फोर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, जावा जो है आप कॉन्डा फोर्ज से इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन जो टूल्स हैं जैसे एन uh, एफ हो गया या फिर नेक्सफ्लो uh, इन्हें आप बायोकोंडा के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं तो आइए अब हम uh, अपने बेस इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा uh, इंस्पेक्शन करते हैं आप कौंडा इनिट बैश अब हम देखेंगे कि हमें कौंडा इनिट करने की ज़रूरत है कि नहीं अगर आप कौंडा इनिट करें तो आप देखेंगे कौंडा इनिट ने हमारे बैश की जो सेटिंग्स की फाइल होती है उसे अब मॉडिफ़ाई कर दिया ताकि उसे अब कौंडा एनवायरनमेंट्स का आइडिया हो आप यहाँ पर जैसे कि जैसे ही इन, इनिशिएट हो चुका है आप अब अगर बैश टाइप करेंगे तो आप देख सकेंगे कि अब आपके प्रॉम्प्ट में मास्टर लिख के आ रहा है जो कि गेट से रिलेटेड है लेकिन एक बेस लिख के आता है जो कि कोंडा से रिलेटेड है तो अब अगर आप एन लिस्ट करेंगे तो आप देख सकेंगे यहाँ पे इस बार स्टार आता है जिसका मतलब है कि ये एक्टिव इन्वायरमेंट है अब अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर इस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करना चाहते हैं जैसे कौंडा इंस्टॉल काओ पी देखते हैं कि कितनी देर में इंस्टॉल होता है और कैसे इंस्टॉल होता है जल्दी से इस इस प्रोसेस को हम देखेंगे कोंडा जो है सारे डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करता है पहले उस पैकेज की कि इस कॉपी जो है इसकी रिक्वायरमेंट है पाइथन पाइथन के कौन से वर्जन की रिक्वायरमेंट है और कोई पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ हुई है तो वो भी इंस्टॉल करेगा कौंडा थोड़ा सा टाइम लेता है ये प्रोसेस मैं अभी वापस आता हूँ और जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमारे से कोंडा इंटरेक्टिवली पूछ रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पर मूव करके वाई ऑप्शन दबाएंगे और हम बोल सकते हैं कि हमें ये इंस्टॉल करना है हमने बाय कोंडा के प्रॉम्प्ट को कंफर्म कर दिया कि हमें ये टूल इंस्टॉल करना है अगर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं पैकेज का नाम आप बिल्ड आईडी देख सकते हैं पैकेज का साइज़ देख सकते हैं और इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं अब कापी हमारे पास इंस्टॉल्ड है अगर आप उसे कॉपी टाइप करके कॉपी टाइप करके हेल्प हेल्प टाइप करें तो आप उसके हेल्प मेन्यू देख सकते हैं जैसे ही आप कौंडा डीएक्टिवेट करेंगे आप इसके एनवायरनमेंट से बाहर आते हैं और बेस अब आप, आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अब आप जो आपका एनवायरनमेंट है आ, उसमें आ, कोंडा द्वारा इंस्टॉल करे गए सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं हैं लेकिन आप वापस कौंडा को एक्टिवेट कर सकते हैं या एक स्पेसिफ़िक इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट का नाम देके जैसे बेस और आपको वो टूल अवेलेबल हो जाएगा अगर आप इस टूल की इंस्टॉलेशन लोकेशन देखें तो आप देख सकते हैं विच कॉपी और ये टूल जो है वो इस लोकेशन में इंस्टॉल हुआ है ऑप्ट कोंडा बेन कॉपी तो कॉन्डा से रिलेटेड टूल्स जो हैं जो भी बाइनरी स्क्रिप्ट्स होंगी वो सब एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाएंगी इसके साथ अब हम आ, एक कस्टम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं कस्टम इन्वायरमेंट पे काम करते हैं और हम इसको इस, को, इस आ, एरिया को कॉपी करेंगे और एक अपने लिए फाइल बनाएंगे एन डॉट हम यहाँ वाई और जैसे ही हमने ये टाइप करा आ, ये फ़ाइल पहले से ही प्रेजेंट थी तो हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं लेकिन हम कंटिन्यू कर सकते हैं डायरेक्टली अब तो हम ये टाइप करें आ, अगर आपको इसमें कुछ भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप आ, आराम से यहाँ पर आके टाइप कर सकते हैं बायोकोंडा जैसे हमें बायोकोंडा से अगर एन एफ कोर को इंस्टॉल करना है और मैं कोई वर्जन नहीं बताना चाहता बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक स्पेसिफिक वर्जन बताएं लेकिन अगर इस केस में आप एक्सपेरिमेंट uh, करना चाहते हैं और वर्जन नहीं बता रहे तो दैट तो वो भी ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आपको कोंडा इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है इस फाइल को लेके तो उसके लिए एक स्पेशल कमांड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट के थ्रू कौंडा थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं जैसे ही इन्वायरमेंट सॉल्व होता है वैसे ही वापस आता हूँ अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा कोंडा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है आ, तो हम आगे बढ़ सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि कौंडा जो है थोड़ा स्लो हो सकता है ये और ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनके इंटर और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज में की सिचुएशन क्या है हो सकता है कि कुछ थर्ड लेवल सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनके डिफरेंट वर्जन यूज़ हो रहे हैं आपके डिपेंडेंसीज में तो कॉन्डा को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है इसके साथ इसके इसको रिज़ोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप एक टूल यूज कर सकते हैं जिसका नाम है माम्बा जो कि कोंडा कोंडा को एक तरह से हेल्प करता है ताकि कोंडा का ये जो डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन की कैलकुलेशंस हैं इसको स्पीड अप कर सके तो गिटपॉड में हमने आपके लिए माम्बा पहले से इंस्टॉल करा है लेकिन अगर आप अपने क्लस्टर पे काम कर रहे हैं या दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं आपको माम्बा सेपरेटली इंस्टॉल करना होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मामबा कहाँ पर अवेलेबल होगा आपको इंस्टॉल मामबा तो आप देख सकते हैं कि इसका पहला जो लिंक है यहाँ पर आप वो आपके लिए सबसे रिलेवेंट है आप एक एग्जिस्टिंग कौंडा इन्वायरमेंट में जैसे बेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर कोंडा फोर्स के थ्रू चैनल के थ्रू मामबा को इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे ही आप मामबा इंस्टॉल करेंगे आपकी सारा इंस्टॉल आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत आ, स्पीड अप हो जाएगा इसके साथ अब हम आ, प्रोसीड करते हैं अपने ट्यूटोरियल के साथ और हम देखेंगे कि अब हम इस इन्वायरमेंट को पहले तो कन्फर्म करते हैं कि इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है कौंडा एन लिस्ट उसके साथ आप देख सकते हैं बेस और एन एफ लेकिन करेंट करेंटली एक्टिवेटेड इन्वायरमेंट है हमारा बेस अब अगर हम कौंडा एक्टिवेट एन एफ़ टूटोरियल को टाइप करें तो हमारा इन्वायरमेंट uh, अब हम हम दूसरे इन्वायरमेंट में आ चुके हैं और इस इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास एन एफ को टूल या फास्ट क्यू सी अवेलेबल है लेकिन दूसरे एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं होगा अगर मैं इसे डीएक्टिवेट करूं तो मैं वापस बेस एनवायरनमेंट की तरफ आ जाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पे फास्ट क्यू टाइप करूं तो यहाँ पर फास्ट क्यू अवेलेबल नहीं है तो चलिए वापस चलते हैं एन अपने बेस एनवायरनमेंट में और अब हम हमारी जो स्क्रिप्ट है उसके साथ कौंडा का ये इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे तो आइए ये कमांड को कॉपी करके हम अपने नेक्स्ट फ्लो स्क्रिप्ट के साथ रन करेंगे स्क्रिप्ट नंबर सेवन जो है वो पूरी लगभग उसमें हमारी आ, हमारे जो सिंपल आर एन सी की कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी तो इसके अंदर तीन या चार प्रोसेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं क्वान्टिफिकेशन फास्ट क्यूसी मल्टी क्यूसी और एक वर्क फ्लो है जो इन सब चीज़ों को कंबाइन करता है आ, आप अगर यहाँ पर एक एरर मैसेज है लेकिन अगर आप इस एरर मैसेज पे ध्यान दें Uh, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि सिंगलैरिटी नॉट फाउंड जो कि बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि गिट पॉड में सिंगलैरिटी इंस्टॉल नहीं है लेकिन आप अपने क्लस्टर्स में टेस्ट कर सकते हैं अब नेक्स्ट फ्लो सिंगलैरिटी को क्यों देख रहा है क्योंकि आपको शायद याद हो कि हमने कन्फिग्रेशन फाइल में सिंगलैरिटी को इनेबल करा था लेकिन अब हमें उसको डिसेबल कर देना चाहिए वापस और इसे अब हम इस स्क्रिप्ट को कौंडा के साथ रन कर सकते हैं सॉरी रॉन्ग तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आ, इस बार नेक्स्ट फ्लो जो है कौंडा एनवायरनमेंट का यूज करके हमारी टॉय आरएनएसी सी या सिंपल आरएनएसी सी पाइपलाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है और Uh, हमें पाइपलाइन का लॉजिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें बस नेक्स्ट फ्लो का कमांड लाइन नेक्स्ट फ्लो की कमांड लाइन में विथ कौंडा के साथ एक कौंडा इन्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना था तो ये प्रोसेस बहुत ईजी है इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और बात कर सकते हैं कि कौंडा uh, के आप कौंडा का इस्तेमाल और डॉकर का इस्तेमाल साथ में कैसे कर सकते हैं तो देखिए कौंडा जो है आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है वो तो उसे वो उसे हम कह सकते हैं रिप्रोड्यूसिबल इंस्टॉलेशन और जो डॉकर है वो आपके आपके एक तरह से पैकेज करता है आपके कंटेनर को ताकि वो दूसरे आ, दूसरे इन्वायरमेंट्स में पोर्टेबली एग्जीक्यूट कर सके तो इसका मतलब रिप्रोड्यूसिबल एग्जीक्यूशन तो रिप्रोड्यूसिबल इंस्टॉलेशन एंड रिप्रोड्यूसिबल एग्जीक्यूशन तो आप ये कह सकते हैं आ, कि एक कोंडा की वजह से है और ये चेंज जो है हमारा डॉकर की वजह से है मैं इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ या फिर रिमूव कर सकता हूँ अभी के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ तो ये जो पार्ट है हमारा ये रिप्रोड्यूसिबल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है और ये जो पार्ट है ये हमारा रिप्रोड्यूसिबल एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है मैं पे लिख सकता हूँ जल्दी से तो जब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं इसका मतलब कि हम अपने कंटेनर के अंदर कंटेनर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको एड हॉक मैनर की की की, की साथ के साथ नहीं बल्कि कोंडा के साथ इंस्टॉल करें तो मतलब जब भी हम उस कंटेनर या इमेज को बिल्ड करेंगे तो हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं रिप्रोड्यूसिबली इंस्टॉल होगा तो एक तरह से हमने जो एरर के चांसेस हैं एरर एरियाज़ हैं उनको हमने मिनिमाइज़ कर दिया है तो इस वजह से अब आपके पास एक रिप्रोड्यूसिबल एंड पोर्टेबल सिस्टम है टूल्स हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं की टू रिप्रोड्यूसिबल टूल्स एंड वो क्लोज क्योंकि इसके साथ आपके पास रिप्रोड्यूसिबल इंस्टॉलेशन आ गई और रिप्रोड्यूसिबल एग्जीक्यूशन आ गया तो अब अगर आप ये कंटेनर ऐसे बिल्ड करके विंडोज़ सिस्टम पे रन करें या फिर दूसरे सिस्टम पर रन करें आपके पास रिजल्ट्स 100 परसेंट सेम आएंगे आ, अब हम अपने ट्यूटोरियल के नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हैं और हम बात करेंगे कि आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं एक डॉकर कंटेनर को मामबा के साथ तो मामबा कौंडा माइक्रो माइक्रोमांबा ये तीनों टूल जो हैं बेसिकली सिमिलर काम करते हैं कोंडा और माम्बा साथ में काम करते हैं माइक्रो माइक्रोम्बा इंडिपेंडेंट टूल है जिसे आप स्टैंड लोन तरीके से यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप माम्बा को कौंडा के बिना यूज़ नहीं कर सकते तो अब अगर आप देखें आ, हम एक कौंडा फाइल बना सकते हैं आ, ये इन्वायरमेंट हमारे पास पहले से था तो इस बार हम इन्वायरमेंट में से अपना जो कस्टम चेंज करा था हमने वो रिमूव कर देते हैं जो कि है कोड एंड यामल और इसमें से हम एन एफ टूल को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये हमने एज एन एक्सपेरिमेंट ऐड करा था तो अब अगर हम डॉकर फाइल की तरफ वापस जाएँ डॉकर फाइल का जो कॉन्टेंट है उसका हम अब उसको हम अपडेट कर सकते हैं और रिमूव करके हमने क्या करा हमने माइक्रो माम्बा की जो इमेज है उसे पुल करा तो उसे हम एज अ बेसिस यूज़ करेंगे हम चाहें तो अपना ई मेल आई डी और ऑथर नेम ऐड कर सकते हैं लेकिन मेन पॉइंट मेन जो एक्शन है इस स्क्रिप्ट के अंदर इस डॉकर फाइल के अंदर वो है कि हम जो इन्वायरमेंट फाइल थी उसे कंटेनर के अंदर कॉपी करा उसके बाद माइक्रो माम्बा को यूज़ करके उस एक इन्वायरमेंट क्रिएट करा उसमेंट के अंदर हमने उस फाइल जो इन्वायरमेंट फाइल थी जो जो पैकेज की रेसिपी थी उसे यूज़ करके पैकेज इंस्टॉल करा उसके बाद हमने उसे इन्वायरमेंट में ऐड कर दिया ताकि जब भी आप कंटेनर को फिर से रन करेंगे आपको इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस में ये कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसे बिल्ड करने के लिए आप सिंपली जो पहले हमने कमांड्स दी थी आप फिर से वही कमांड्स दे सकते हैं डॉकर बिल्ड अब आप यहाँ कह सकते हैं माई मम माई माइक्रो माम्बा और ये टैग है हमारा तो इसके लिए हम इसे डैश टी बोलेंगे और उसके बाद जो करंट इमेज है हमारी और जो करंट डॉकर फाइल है जो इस वर्किंग डायरेक्टरी में है उसे यूज़ करेंगे ऐसे करके आप अपना रिप्रोड्यूसबल टूल्स बना सकते हैं आप देख सकते हैं कि माइक्रो माम्बा और माम्बा कौंडा के कंपेरिजन में बहुत तेज हैं तो आप आ, अपने जो कंटेनर्स के बिल टाइम है उसे बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसके साथ हम एक फाइनल पीस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बायो कंटेनर्स तो जैसे कि मैंने अभी मेंशन करा था इस ड्राइंग में सॉरी इस ड्राइंग में कि जो बायो कंटेनर्स का सिस्टम है यहाँ पर बायो कंटेनर डिपॉजिट्री वो बायोचकोंडा में पब्लिश्ड टूल्स को लेके या रेसिपीज़ को लेके कंटेनर इमेज बिल्ड होता है तो जो अभी हमने कवर करा है जो बायो कंटेनर का प्रोसेस है वो भी सिमिलर है तो आपको एंड में जितने भी बायो बायोकोंडा के पैकेजेस हैं सबका एक कंटेनर मिलता है जो आप अपनी पाइपलाइंस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं तो नेक्स्ट फ्लो आपको हेल्प करता है कि आप कोंडा uh, का यूज़ कर सकें डायरेक्टली uh, उसके बाद आप डॉकर का यूज़ कर सकें लेकिन अगर आपकी डॉकर फाइल कौंडा का यूज़ करती है तो आपके लिए uh, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ईजी है बायो कंटेनर्स प्रोजेक्ट जो है बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट है इसको मैंने इन uh, सेशन्स में पहले भी मेंशन करा है एक बार आप देख सकते हैं कि इसकी एपीआई अवेलेबल है तो आप एपीआई के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कौन से कंटेनर्स अवेलेबल हैं और आप ये देख सकते हैं कि uh, इस प्रोजेक्ट के पीछे कितना मोमेंटम है इसके पार्टनर्स हैं बायोकोंडा नेक्स्ट फ्लो ग्लोबल जी फोर जी एच गैलेक्सी प्रोजेक्ट एलेक्सर कॉमन गोक और ये इस प्रोजेक्ट की भी पब्लिकेशन है जो कि है आ, ये इसका मेरे को जर्नल याद नहीं लेकिन देख लेते हैं अभी ये ऑक्सफ़ोर्ड एकेडमिक प्रेस की पब्लिकेशन है आप अगर बायो कॉन्ड बायो कंटेनर्स को यूज़ करते हैं तो प्लीज़ साइटेशन uh, दीजिए और इसके साथ हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है चैनल्स ऑपरेटर्स एंड प्रोसेस तो अब हम उन कॉन्सेप्ट को फिर से विजिट करेंगे जो हमने पहले सेशन में बिल्डअप करे थे और इस बार हम थोड़ा और डेप्थ में बात करेंगे उन आ, उन टॉपिक्स को लेके। आइए अब हम इस मॉड्यूल में चैनल्स को डिस्कस करते हैं चैनल्स uh, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं नेक्स्ट फ्लो की सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस का एक पार्ट है uh, जो कि डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग पैराडाइम पर बेस्ड है ये पैराडाइम uh, एक तरह से पैरल पैरल प्रोग्रामिंग को uh, को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है और पैरल uh, प्रोग्रामिंग का सिनेरियो तब आता है जब आपके पास एक से ज़्यादा सी पी यू हैं जो कि आज के लिए नॉर्मल बात है लेकिन दस साल आ, बीस साल पहले तीस साल पहले ये बात नॉर्मल नहीं थी उस टाइम पर यह पैराडाइम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था आज के टाइम पे जैसे हमारे पास आ, बहुत सारे सी पी यूज़ हैं तो नेक्स्ट फ्लो ने इस डेटा फ्लो पैराडाइम का यूज़ करके ये इंश्योर करने की कोशिश करी है कि आप अपने सारे सी पी यूज़ या आपके पास जितना भी रिसोर्सेज़ है उन सबका अच्छे से यूज़ कर सकें तो अगर आप Uh, एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जिस जिसमें आपके पास सौ सी पी यूज़ हैं हज़ार सी पी यूज़ हैं दस हज़ार सी पी यूज़ हैं और वो बेसिकली एक कंप्यूटर में नहीं वो दस कंप्यूटर्स में या दस मशीन्स में स्प्लिट हैं एक हर एक मशीन के पास मान लेते हैं सौ सी पी यूज़ हैं तो आपके पास अगर दस मशीन्स हैं तो आप उन सब सी पी यूज़ का इस पूरे हार्डवेयर कैपेसिटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं इस uh, ऑप्टिमाइजेशन के लिए नेक्स्ट फ्लो ने डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग पैराडाइम को यूज़ करा है और जैसे ही हम चैनल्स की बात करते हैं तो चैनल्स एक डेटा स्ट्रक्चर है इस नेक्स्ट फ्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसका मतलब जो जैसे ही अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आपको चैनल्स का यूज़ करना है ये डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस की के कोर कॉन्सेप्ट में आता है और नेक्स्ट फ्लो भी इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है इसके साथ साथ नेक्स्ट uh, फ्लो जो है अगर आप क्लासिफाई करना चाहें किस तरह के वर्क फ्लोज़ इम्प्लीमेंट करता है तो वो है रिएक्टिव फंक्शनल ओरिएंटेड कंप्यूटेशनल वर्क फ्लोज़ इम्प्लीमेंट करता है इसका मतलब कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस का वेट करता है कि वो जैसे ही कंप्लीट करेगा तब जाके नेक्स्ट प्रोसेस ट्रिगर करेगा uh, आप यहाँ देख सकते हैं टास्क एल्फा जो है उस uh, उससे तीन आउटपुट निकल रहे हैं सेपरेट तीन इंडिपेंडेंट आउटपुट निकल रहे हैं फाइल z, y और x और ये टास्क बेटा में एंटर करते हैं इसके साथ हम ये बात कर सकते हैं कि कितने टाइप्स के चैनल्स होते हैं नेक्स्ट फ्लो में दो टाइप्स के चैनल्स हैं पहला है क्यू चैनल और दूसरा है वैल्यू चैनल क्यू चैनल जो है अब ज़्यादातर क्यू चैनल्स अभी तक हमने देखे हैं जैसे चैनल ऑफ हो गया या चैनल फ्रॉम पाथ हो गया या चैनल फ्रॉम फाइल पे तो ये क्यू चैनल्स के एग्जाम्पल हैं और एक सिंपल क्यू जैसे आप कह सकते हैं कि आ, Q का मतलब कि अगर आप एक तरफ से लाइन में लगे हैं तो दूसरी तरफ से जो उसका दूसरा आ, सिरा है वो उस तरफ से आप बाहर निकलेंगे इसका मतलब जैसे आप किसी किसी जगह पे एंटर करने के लिए लाइन में लगते हैं तो जो पहले आता है वो पहले आ, अपना टास्क कंप्लीट कर सकता है एक तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ऑर्डर इसमें फॉलो होता है जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट कहते हैं हम इसे कंप्यूटर साइंस के टर्मिनोलॉजी में इसके साथ ये एसिंक्रोनस है इसका मतलब ये नॉन ब्लॉकिंग है और ये जो चैनल में इनपुट्स आ रहे हैं ये बहुत, ये वेट नहीं करते बाकी सारे इसकी मिनिमल कंडीशंस हैं ताकि ये जो है बाकी प्रोसेस को ब्लॉक ना करें जूनियन डायरेक्शनल मीन्स का मतलब मस uh, कि uh, अगर आप इस चैनल में डेटा रखते हैं तो डेटा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक जा सकता है वापस नहीं आ सकता तो अगर हम इसे विजुअली ड्रॉ करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि uh, जैसे हाईवे की जो एनालॉजी हमने पहले यूज़ करी थी शायद आपको याद हो कि अगर सिटी वन से सिटी टू तक हम कुछ uh, कुछ मटेरियल भेजना चाहते हैं सिटी वन सिटी टू और ये हमारी हाईवे की रोड है तो ये यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल हाई वे है ये खाली वन वे हाई वे है ये टू वे हाई वे नहीं है ये वन वे हाई वे है हमारा आ, और क्यू चैनल्स जो हैं इसका मतलब है कि ये जिस ऑर्डर में डेटा आता है उस ऑर्डर में डेटा आगे बढ़ाता है ये डेटा को रैंडम नहीं बनाता और ये जिस ऑर्डर में डेटा आया उस ऑर्डर में अवेलेबल टास्क को आ, या प्रोसेस को डेटा फॉरवर्ड कर देता है तो आइए देखते, देखते हैं हम कि देखते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट करके आ, मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी प्लस आइकन्स आप देखेंगे कोड एग्जांपल्स में उन पे आप अगर आप क्लिक करें तो आपको इन टेक्स्ट हेल्प मिल सकती है ये देखिए और अगर आप इसे कॉपी करें और हम एक नई स्क्रिप्ट की तरफ जाते हैं जिसको हम कहेंगे कोड स्निपेट अगर हम उसे ओपन करते हैं तो ये स्क्रिप्ट पहले से एग्जिस्ट करती है तो हमें बस इसे एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट फ्लो रन स्निपेट अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखें तो पहले रिजल्ट को देखते हैं उसके बाद हम बात करेंगे बाकी इन चीज़ों की आप यहाँ देखिए कि आ, ये चैनल ऑफ़ है चैनल ऑफ़ अभी हमने देखा कि ये आ, क्यू चैनल है हमने चैनल ऑफ बनाया को यूज़ करके उसमें तीन वैल्यूज़ डाली जो कि इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं इसका मतलब अगर हम उसे प्रिंट करेंगे तो वो डेफिनेटली uh, प्रिंट होगा लेकिन आप चैनल का ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं व्यू uh, ऑपरेटर लेकिन अब हम रिजल्ट्स की तरफ अगर बढ़ें और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये पार्ट है इधर सॉरी हाँ इधर जो प्रिंट हुआ है ये वैल्यू है प्रिंट की क्योंकि प्रिंट जो कमांड है आ, या स्टेटमेंट है ग्रुवी लैंग्वेज में और नेचुरल लैंग्वेज में ये ये चैनल्स को नेटिवली नहीं समझती तो ये आपको चैनल की इंफॉर्मेशन या अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बता रही है जो कि है डेटा फ्लो ब्रॉडकास्ट डेटा फ्लो स्ट्रीम लेकिन अगर आप चैनल के कंटेंट्स को देखना चाहते हैं तो आपको चैनल की एक तरह से लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी चूँकि है ऑपरेटर्स तो चैनल में जो भी डेटा है उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है तो व्यू हमारा एक ऑपरेटर है लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे ये पैरेंथिस के सेंस में यूज़ हुआ है अगर आप इसे कस्टम बिहेवियर देना चाहते हैं तो आप इसे एक आपको शायद याद हो पहले भी हमने ये कवर करा था कस्टम फॉर्मेटिंग को लेके आ, आप इसे कस्टम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं करेंट वैल्यू यहाँ पे डॉलर आई टी आई टी एक इम्प्लिसिट वेरिएबल है तो अगर आप उसे रन करेंगे फिर से तो इस बार आप जो सी एच डॉट व्यू ऑपरेटर का वैल्यू है उसे आप फॉर्मेटेड देखेंगे लेकिन जो प्रिंट्स एल एन की वैल्यू है वो सिमिलर अंडरलाइन डिटेल्स को ही प्रिंट कर सकता है अभी चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर भी एक्सरसाइजेज़ हैं इस पेज पर भी असल में इस पूरी वेबसाइट में हमने एक्सरसाइजेज ऐड करें हैं आगे भी और ऐड करेंगे तो प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए उन्हें पूरी करने की कोशिश करिए ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये अच्छे से आपके आपके आ, आप समझ सकें वैल्यू चैनल्स के बारे में बात करते हैं अगर हम इसे कॉपी करें पहले और वैल्यू चैनल्स आप समझ सकते हैं कि उसमें एक वैल्यू जाती है और एक इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम भी है सिंगलटन चैनल इसका मतलब कि एक सिंगल वैल्यू जो है वो एंटर करती है और कभी एग्ज़िट नहीं करती तो इसका मतलब आ, ये एक तरह से आ, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक चैनल है जिसके अंदर वैल्यू एंटर हुई और उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन गई अनलिमिटेड कॉपीज़ बन गई जो कि कभी exit, कभी फिनिश नहीं होती चाहे जितने भी प्रोसेस उस वैल्यू को लें चैनल से तो ये वैल्यू जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी uh, कुछ नेक्स्ट uh, फ्लो के अंदर कुछ कॉन्स्ट्रक्ट्स या ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करके आप वैल्यू चैनल्स बना सकते हैं लेकिन एक फैक्ट्री मेथड है जिसका मतलब आप चैनल डॉट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं एक वैल्यू uh, जनरेट करने के लिए जैसे अगर हम यहाँ ट्राई करें चैनल वैल्यू और हम यहाँ अगर तीन के साथ ट्राई करते हैं तीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के साथ तो एक एरर शो करेगा हमें नेक्स्ट फ्लो। हम उस एरर को जल्दी से देखते हैं देखिए यहाँ पर एरर आया आया है लेकिन अगर आप इस एरर को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आपको बस इस इन तीनों वैल्यूज़ को असल में एक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होगा जो कि आप एज़ अ कलेक्शन Uh, इस इन तीन वैल्यूज़ को कलेक्शन के अंदर रैप करके ब्रैकेट्स के अंदर रैप करके एक वैल्यू बना सकते हैं तो अब आप हाँ देखेंगे कि नेक्स्ट नेक्स्लो uh, ने कोई कंप्लेन नहीं करी हमसे क्योंकि वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ नेक्स्ट नेक्स्लो है ना? तो इसके साथ अब हम हाँ इस स्क्रिप्ट को देखेंगे जो कि हम हाँ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हम हाँ देखते हैं कि चैनल ऑफ ऑफ़ जो है क्यू टाइप uh, का चैनल है तो इसका मतलब तीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज यहाँ से जनरेट होंगी और उस चैनल में रखी जाएंगी जिसका नाम है सी एच वन सी एच टू जो चैनल है वो भी क्यू टाइप का चैनल बनेगा जिसमें एक वैल्यू होगी प्रोसेस सम सम का मतलब ये इस प्रोसेस का गोल ये है कि हम एक, एक दो वैल्यूज़ लें डिस्टिंक्ट एक पहले चैनल से दूसरी वैल्यू दूसरे चैनल से और जो आउटपुट होता है इस स्क्रिप्ट का उसे हम स्टैंडर्ड आउटपुट पे सेंड कर दें ठीक है तो जैसे ही आप यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं एक वैल्यू अगर यहाँ पे वन आता है जैसे वन और वन हो गया वन इधर आया और वन इधर आया तो ये वैल्यू हो जाएगी वन प्लस वन और आंसर आएगा हमारा टू उसे हम एको करके प्रिंट करेंगे आप यहाँ पे ये डॉलर साइन देख रहे हैं डॉलर साइन का मतलब है जहाँ पे भी आप स्क्रिप्ट देखें और ट्रिपल डबल कोट्स देखें उसका मतलब है Uh, जहाँ पे भी आपने डॉलर साइन यूज़ कराया है आप नेक्स्ट फ्लो को बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉजिक लगा है कुछ ये नॉर्मल शेल वाला डॉलर साइन या वेरिएबल एक्सपेंशन नहीं है ये सब्सटीट्यूशन तो अब हम वर्क फ्लो को देखते हैं आप यहाँ देखिए कि हम व्यू का यूज़ करेंगे क्योंकि सम प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट पे अपना आउटपुट भेज रहा है और हम उसे स्टैंडर्ड uh, आउटपुट भी एक चैनल है तो आप उस चैनल पे व्यू ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं आइए इस स्निपेट को रन करके देखते हैं और जैसे ये स्निपेट रन होता है आप देख सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट टू आया अब आप इसे कस्टम फॉर्मेटिंग uh, देना चाहें तो आप फिर से करली ब्रेसेस और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ कर सकते हैं फैंसी आउटपुट और इसके साथ आप फिर से रन कर सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आप चैनल्स का जो जो क्यू चैनल्स हैं वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं uh, लेकिन एक बात मैं एक हाईलाइट uh, करना चाहूँगा कि हमने पहले चैनल में तीन वैल्यूज़ भेजी दूसरे चैनल में एक वैल्यू भेजी आउटपुट हमारे पास खाली एक ही आता है ये इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट फ्लो हमने जो नेक्स्ट फ़्लो को ये बताया है कि एक सम नाम का प्रोसेस है जिसे एक वैल्यू चाहिए एक चैनल से दूसरी वैल्यू चाहिए दूसरे चैनल से तो जब तक इन चैनल्स में वैल्यू रहेगी तब तक वो दूसरे चैनल से वैल्यू पूछेगा इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर पे, यहाँ पे लिख लुत्तु नाइन और यहाँ पे ठीक है नाइन और एट लिख एट लिखता हूं तो अब जो है हम यहाँ पे दो वैल्यूज को प्रिंट होते देखेंगे ये इसलिए है क्योंकि इन दोनों में से जो भी मिनिमम नंबर ऑफ आप ये कह सकते हैं कि जो भी कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जितना भी कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है नेक्स्ट फ्लो खाली उसे ही यूज़ करेगा ये जो तीसरी वैल्यू है एक्स्ट्रा वो यूज़ नहीं हो पाएगी तो इसलिए जब आप अपने चैनल्स को डिज़ाइन करते हैं चैनल्स के अंदर डेटा डालते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो डेटा असल में यूज़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो अब आप देख रहे हैं कि दो वैल्यूज़ सेपरेटली प्रिंट हुई हैं इसका मतलब आ, न, ये नाइन और वन और टू और एट यूज़ हो चुका है चलिए आगे चलते हैं हम देखेंगे चैनल थोड़ा सा हम इस, इस बारे में और बात करते हैं जो डी एस वन था तो डी एस वन जो है नेक्स्ट नेक्स्लो का नेक्स्ट नेक्सलो लैंग्वेज का पहला वर्जन था और ये 2020 तक इकलौता वर्जन था 2020 के बाद डी एस टू लॉन्च हुआ है जिसकी वजह से हमने कल एन एफ कोर मॉड्यूल्स और सब वर्कफर्स प्रोजेक्ट्स को देखा वो डायरेक्ट रिज़ल्ट है डी एस टू का डी एस वन में सब कुछ एक ही स्क्रिप्ट में होना चाहिए था लेकिन डी एस टू के साथ आप अपने कोड को चंक्स में लिख सकते हैं इसका मतलब हम मॉड्यूल्स पे काम कर सकते हैं जो कि एन एफ कोड ने इम्प्लीमेंट करा है और सब वर्क उस पर काम कर सकते हैं जैसे एन एफ कोड ने करा है इम्प्लीमेंट इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप डिफ़ॉल्ट सी प्रिंट एलन को फिर से देखें तो शायद हम एक इंसाइट को कैप कैप्चर कर सकते हैं चलिए इससे रन करते हैं इस बार अब आ, अब मैं क्योंकि हमने डी के बारे में बात करी है तो मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब भी आप नेक्स्ट फ्लो पाइपलाइन को रन करेंगे वो आपको मैसेज देता है कि कौन सी डी यूज़ हो रही है दोनों डी एस एल अभी दोनों दोनों लैंग्वेजेस का वर्जन नेक्स्ट फ्लो अभी सपोर्ट करता है लेकिन फ्यूचर में डी एस जो है वो डिसेबल कर दी जाएगी आ, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मैसेज है हमारा डेटा फ्लो ब्रॉडकास्ट अराउंड डेटा फ्लो स्ट्रीम ये मैसेज Uh, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा अभी भी तो हम वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे और इस बार हम डी एस को ऐड करेंगे ताकि हम और अच्छे से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ सकें लेकिन आपको डी uh, एस uh, के बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ये uh, ये बस एक डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब डेटा फ्लो क्यू के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं डेटा फ्लो क्यू क्यू और इधर वेरिएबल का नाम इधर फिर जो फर्स्ट वेरिएबल है जो कि हमने भेजा फर्स्ट वैल्यू जो है हमने भेजी वन और जो लास्ट वैल्यू है उसे कहते हैं हम पॉइजन पिल इसका मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर साइंस में ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है तो ये जो पहली वैल्यू थी यहाँ पे ज़ीरो है और जो लास्ट वैल्यू है वो एक तरह से कैप कर देती है या ब्लॉक कर देती है उसको क्यू को आ, कि आप उस क्यू में कोई भी और नई चीज़ ना आ सके तो ये आ, ये ये हमारे प्रोसेस को कन्वे करता है कि अब इस चैनल में कोई भी नया कंटेंट नहीं है इसलिए पॉइजन पिल्का आप शायद यूज़ करें फ्यूचर में लेकिन जनरली आपको यूज़ करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये बस कॉन्सेप्ट कंसेपच्चुअली समझने के लिए मैंने आपको ऐड करके बताया uh. अब हमने पॉइजन पिल को कवर करा हमने वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट्स को कवर करा तो चलिए मैं ये भी बात कर लेता हूँ कि अगर हम पिछले एग्जाम्पल में वापस जाएँ, तो आप इन दोनों को प्रिंट करके देखें अगर सी एच वन और प्रिंट एल एन सी एच टू अगर आप इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करके देखें तो भी आपको आंसर इसके सिमिलर ही मिलेगा इधर लेकिन अगर आप सी एच टू को जो पॉइजन पिल का कॉन्सेप्ट अभी हमने इंट्रोड्यूस करा उसके टर्म्स में सोचें तो आप ये देख सकते हैं कि सी एच टू के पास तीन वैल्यूज़ हैं असल में नाइन एट और पॉइजन पिल और सी एच वन में चार वैल्यूज़ हैं वन टू थ्री और पॉइजन पिल तो जैसे ही सम को जो सम प्रोसेस है उनमें से उसको एक इनपुट से पॉइजन पिल दिखती है तो वो पॉइजन पिल का मतलब है कि अब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना बंद कर जाएगा तो अगर हो सकता था कि पॉइजन पिल जो है इस प्रोसेस की वजह से मिले क्योंकि अब सी एच वन में दो वैल्यूज़ हैं वन और पॉइजन पिल तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सम को जो पॉइजन पिल पहले प्रोवाइड करेगा वो है चैनल वन तो इसलिए खाली वन और नाइन का सम प्रिंट होगा एट प्रिंट नहीं होगा चलिए अब हम बात करते हैं चैनल फैक्ट्रीज़ की और भी चैनल फैक्ट्रीज़ की हमने कुछ पहले देख चुके हम कुछ चैनल फैक्ट्रीज़ पहले देख चुके हैं आ, अब हम यहाँ पे तीन चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं अगर हम उन्हें रन करें तो हम देख सकते हैं कि आप वैल्यू चैनल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये चैनल फैक्ट्री है तो आप वैल्यू चैनल एक्सप्लिसिटली क्रिएट कर रहे हैं और ये सारी इन सिंगल वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये नेक्स्ट फ्लो चैनल के लिए सिंगल वैल्यू है लेकिन अगर आप देखें तो ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है तो इसे आप कह सकते हैं कॉम्पोजिट वैल्यू और ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग भी कह सकते हैं कॉम्पोजिट वैल्यू क्योंकि एक स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर से बनती है लेकिन हमारे पर्पजेज़ के लिए ये एक सिंगल वैल्यू है एक चैनल के लिए ऐसे ही आप ऑफ को ऑफ़ का ऑफ के बारे में देख सकते हैं हम uh, ऑफ जो है वो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चैनल में डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं नोटिस कीजिए कि यहाँ पर ये एक कलेक्शन नहीं है ये चार इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं इन्हें आप ऐड कर सकते हैं ऑफ uh, से पहले हम फ्रॉम यूज़ करते थे लेकिन फ्रॉम जो है अब डेप्रिकेट हो चुका है इसका मतलब अब वो फ्यूचर में फ्रॉम को फ्रॉम का सपोर्ट कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा uh, अब मैं आपको एक नेक्स्ट फ्लो का एक यूज़र फ्रेंडली फ़ीचर दिखाना चाहता हूँ जो आपको शायद हेल्प करे अपने इंडेक्सेज uh, या फिर अपने काउंटिंग लॉजिक को अकोमोडेट करने में तो अब इस स्क्रिप्ट को रन करें स्नेपेट को रन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वन टू ट्वेंटी थ्री ये ऑफ है इसका मतलब ये क्यू टाइप का चैनल है वन टू ट्वेंटी थ्री एक्स और वाई लेकिन जब हम नीचे इसके रिजल्ट को देखते हैं तो हम देख रहे हैं ये पूरी काउंटिंग आई ये इसलिए है क्योंकि वन टू ट्वेंटी थ्री एक्सपैंड होता है वन कामा टू कामा थ्री फोर से लेके कर ट्वेंटी थ्री तक तो हो सकता है कि आप जब कुछ च, आ, सॉर्टिंग लॉजिक कर रहे हो कुछ भी अपना नंबर्स के साथ आपको कंजेकेटिव uh, नंबर्स के साथ आपको कुछ एल्गोडम लिखना है या लॉजिक लिखना है तो ये ट्रिक आपके काम आ सकती है अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम लिस्ट की तरफ जो कि अभी हमने देखा यहाँ पर एक लिस्ट जो है नेक्स्ट फ्लो का लिस्ट uh, आप देखेंगे आप टपल देखेंगे अभी के लिए लिस्ट की हम बात करेंगे खाली तो लिस्ट जब आप एक चैनल को चैनल uh, की लिस्ट के थ्रू जेनरेशन करते हैं या फिर कह सकते हो आप कि एक लिस्ट फ्रॉम लिस्ट कैसे समझाऊँ मैं क्योंकि फ्रॉम लिस्ट अगर आप देखें तो ऑफ़ के सिमिलर है लेकिन ऑफ़ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ चैनल ऑफ ऑफ तो वन कामा टू कामा थ्री अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ट्रीट करता है वन हम स्पेस को अभी डिसरिगार्ड करते हैं तो ये तीन वैल्यूज़ हैं वन टू थ्री लेकिन अगर कोई भी प्रोसेस है आपका जो आपको एक तरह से लिस्ट आउटपुट दे रहा है तो आप उसे भी यूज़ करके एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं तो इसका आउटपुट क्या है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं इस लिस्ट के वो फ्रॉम लिस्ट ऑपरेटर सेपरेट कर देगा तो इस वजह से आपके पास दो सेपरेट आउटपुट आते हैं ना कि एक आउटपुट तो अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं आपसे यहाँ पर अब हम व्यू ऑपरेटर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास दो तरह के आउटपुट्स होंगे पहला होगा फ्रॉम लिस्ट से और दूसरा होगा ऑफ से अब आप यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड साथ में आया है ये ऑफ का आउटपुट है और हेलो और वर्ल्ड सेपरेट आया है ये फ्रॉम लिस्ट का आउटपुट है इसके बाद हम फ्रॉ फ्रॉम पाथ ये हमने पहले देखा है तो हम इसके केस में हम खाली ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे ऑप्शंस हो गए जैसे ग्लोब टाइप हेडिन मैक्स टेप्थ फ्लो फॉलो लिंक्स और रिलेटिव और आपको शायद याद हो कि एक एक्सरसाइज के अंदर हमने चेक इफ एक्जिस्ट को इम्प्लीमेंट करने की uh, कोशिश करी है तो अगर आप चेक इफ़ एग्जिस्ट को के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं चैनल फ्रॉम पाथ अगर मैं एक नॉन एग्जिस्टेंट फाइल के लिए कहता हूँ आपको शायद याद हो प्रोजेक्ट डी आई आर क्या है जो कि जहाँ पे भी नेक्स्ट फ्लो रन होता है वो उस वहाँ से वो नेक्स्ट फ्लो डिराइव करता है कि प्रोजेक्ट डी आई आर की वैल्यू क्या है आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट डी आई आर के साथ अगर आप लिखें I, no, I, डोंट एग्जिस्ट डी एक्स टी तो नेक्स्ट फ्लो अभी आपको कोई कंप्लेंट नहीं करेगा वो आपको डी एस एल वन नहीं सॉरी या नॉर्मल डी एस एल टू तो आइए देखते हैं पहले इसका आउटपुट अब आप देख सकते हैं इसका कोई नेक्स्ट फ्लो ने कोई कंप्लेंट नहीं करी जबकि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो कुछ कुछ केसेस में आप इस अबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं लेकिन कुछ केसेस में आप चाहते हैं कि जो भी आप इस जो भी फाइल या जो भी फोल्डर आप इस चैनल के इस चैनल फैक्ट्री के थ्रू बनाए, वो एग्ज़िस्ट करता हो तो आप उसके लिए आपको बस चेक इफ़ एग्जिस्ट ऑप्शन को ट्रू करना है और उसके बाद आप रन करेंगे तो नेक्स्ट फ्लो आपको एरर uh, देगा कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ देखिये सॉरी मेरे को लगता है मैंने नाम गलत यूज करा है एग्जिस्ट यस तो यहाँ पर एक एस मिसिंग है अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट फ्लो ने हमें क्लियरली बताया कि ये जो फाइल है जो फुल फुल्ली एक्सपेंडेड पाथ है उस पर जो फाइल होनी चाहिए थी वो एग्जिस्ट नहीं करती तो इसके साथ आप इन बाकी Uh, uh, बाकी ऑप्शंस के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत यूज़फुल ऑप्शंस हैं जैसे अगर आप चाहते हैं कि अगर आप uh, एक स्टार का यूज़ कर रहे हैं जैसे इंक्लूड uh, ऑल और उसमें आप हिडन फाइल्स भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हिडन को ट्रू कर देंगे तो ऐसे करके आप बहुत सारे ऑप्शनस uh, हैं उनको मिक्स एंड मैच करके आप अपना पाइपलाइन का लॉजिक बना सकते हैं इसके साथ हम फ्रॉम फाइल पेयर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमने पहले कवर करा है इस बार हम खाली इसके ऑप्शन को देखेंगे जो कि काफ़ी हद तक फ्रॉम पाथ से सिमिलर है लेकिन एक यहाँ पर एक फ्लैट ऑप्शन भी है जिसका मतलब है कि आपको ये टपल ऑफ टपल ना बना के ये इस ब्रैकेट को हटा देगा और आपको ये एक सिंगल एक टपल देगा जिसके जो नेस्टेड नहीं है जो फ्लैटेंड है असल में तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम एस आर ए फ्राम एस आर ए नेक्स्ट फ्लो का एक फ़ीचर है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली एस आर आई डी को यूज़ करके एक एक uh, चैनल के अंदर वो उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आगे प्रोसेस में बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक ए पी आई कीक की, की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप uh, इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं हम आगे बढ़ेंगे इस सेक्शन को इग्नोर करते हुए थोड़ा टेक्स्ट फाइल्स की तरफ बढ़ते हैं टेक्स्ट uh, फाइल्स में आप आपने शायद देखा हो कि डेटा फोल्डर के अंदर हमने टेक्स्ट फाइल्स भी रखी हैं जैसे मेटा हो गया टेस्ट हो गया तो कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो रैंडम डॉट टी एक्स रीजन्स डॉट टी एस वी ऐसी फाइल्स भी हैं नेक्स्ट फ्लो के पास कुछ ऐसे फैक्ट्री मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इन फाइल्स से डेटा एक इंटेलिजेंटली रीड करने के लिए क्योंकि आप Uh, अगर आप जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करें तो आप फाइल को रीड कर सकते हो लाइन बाय लाइन या फिर अगर सी एस वी है तो आप शायद उसे कॉलम बाय कॉलम रीड करना चाहें तो नेक्स्ट फ्लो के पास कुछ ऐसे चैनल uh, फैक्ट्रीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इंटेलिजेंट फाइल इनपुट के लिए आगे चलते हैं यहां oh, sorry, हम यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पे इसे रन करना चाहते हैं तो चलिए <coughs> जैसे ही हम इसे रन करते हैं हम देख सकते हैं कि जो भी इसका आउटपुट था वो स्प्लिट कर दिया गया है बहुत सारी लाइंस में और वो लाइंस सेपरेटली यहाँ पर प्रिंट करी गई हैं स्प्लिट के स्प्लिट के आपके पास और भी ऑप्शंस हैं अगर आप नीचे स्प्लिट uh, की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखें स्प्लिट टी स्प्लिट टेक्स्ट ये नेक्स्ट फ्लो के रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन में मैंशनड है और आपको मैं वहाँ पे ले जा सकता हूँ जल्दी नेक्स्ट फ्लो नेक्स्ट फ्लो ये ट्रेनिंग मटेरियल खुल गया अगर हम नेक्स्ट फ्लो के रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं उसको उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर ऑपरेटर है एक स्प्लिट टेक्स्ट और उसके ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर मैंशनड हैं तो आप देख सकते हैं कि बाय लिमिट कैर सेट कंप्रेस डी कम्प्रेस एलिमेंट हेडर तो ये सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उस ऑपरेटर uh, के साथ स्प्लिट टेक्स्ट ऑपरेटर के साथ इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे कुछ फॉर्मेटेड फाइल्स के बारे, बारे में पढ़ेंगे अब देखते हैं जैसे अगर आपके पास एक सी एस सी फाइल है जिसका आउटपुट आप थोड़ा फॉर्मेटेड तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस बार आप शायद ध्यान दें कि यहाँ पर हमने इट ना यूज़ करके इट को रीनेम करा है एक तरह से उसका नाम ना हमने दिया है रो ताकि वो इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से फिट करे तो रो का फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट हम उसे स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो अगर हम इस फाइल को स्निपेट uh, को रन करें तो आप देख सकते हैं कि कि जो हमारा आउटपुट की शेप है वो बिल्कुल uh, जिस हिसाब से हमने बताई थी वैसे ही प्रिंट होता है जैसे पेशेंट आईडी डी नम सैम्पल्स और ये पहला uh, उसका फील्ड हमने एक्सट्रैक्ट करा और ये चौथा फील्ड उसका एक्सट्रैक्ट करा उस सी फाइल का इसके साथ हम अगले स्ट्रक्चर डेटा की तरफ बढ़ सकते हैं जो कि है टैब सेपरेटेड वैल्यूज़ तो अगर आप सी एस वी और टी एस वी फाइल्स को पार्स करना चाहते हैं और उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने चैनल्स में डालना चाहते हैं तो आप आप सेम कमांड का यूज़ कर सकते हैं बस अब आप एक आपको एक ऑप्शन इनेबल करना होगा जो कि है सेपरेटर क्योंकि टैब सेपरेटेड फाइल्स जो है एक स्पेशल केस है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स का जिसमें कॉमा की जगह टैब यूज़ होता है तो इसके साथ हम हम अब आगे बढ़ सकते हैं जेसन फाइल्स की तरफ जो कि आज के टाइम पर बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन के लिए क्योंकि अगर एक सिस्टम या एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से बात करती है या एक टूल से बात करती है तो ज़्यादातर जेसन के फॉर्मेट में बात करती है हमने बायो बायो कंटेनर्स की रेस्ट एपीआई देखी तो वो भी जेसन एपीआई है वो भी आपको जेसन के हिसाब से बात करेगी अगर आप उन चीज़ों को अपने कोड में इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने पाइपलाइन में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ, इस ग्रूवी क्लास को इंपोर्ट करके आप आ, इस पैटर्न को यूज़ करके आप जेसन को जेसन का डेटा पार्स कर सकते हैं एक बार हम जेसन फाइल को भी पर भी नज़र डाल लेते हैं जैसे रीजन्स की जो जेसन फाइल है वो एक कलेक्शन है रिकॉर्ड्स की जिसमें हर एक रिकॉर्ड जो है की वैल्यू पेयर है पेशेंट आईडी, ये रही रीजन आईडी ये रही और हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट करा है पेशेंट आईडी को और फीचर को तो अब जो है हम अपनी स्क्रिप्ट्स में इनपुट जेसन के हिसाब से भी ले सकते हैं और अगर कोई जेसन किसी टूल का आउटपुट है तो हम उसे भी पार्स कर सकते हैं इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं यामल फॉर्मेट की तरफ जो कि सिमिलर है जेसन फॉर्मेट से इकलौता डिफरेंस ये है कि यामल वाइट स्पेस का यूज़ करता है जिसकी वजह से यामल फॉर्मेट की जो फाइल्स होती हैं वो थोड़ी पढ़ने में आसानी रहती है जैसे ये फ़ाइल है इसे हम पढ़ आसा, रिलेटिवली आसानी से पढ़ सकते हैं आ, और इसे पार्स करने का तरीका भी सेम है आपको एक, एक, एक स्पेशल पैकेज इंपोर्ट करना है उसके बाद जो बाक़ी कोड है वो पहले जैसा सिमिलर कोड है आ, इसके साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जो है पार्सल्स को एक सेपरेट फाइल में भी रख सकते हैं आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक ही फाइल में उन पार्सल्स को रखें तो अगर आप ये कॉपी करें कोड और अपने स्निपेट की तरफ़ जाते हैं तो हम इस कोड को पहले एक बार पढ़ के देखते हैं मॉड्यूल्स पार्सर्स तो अभी हम देखें कि मॉड्यूल्स हमारे पास कोई है क्या यहाँ पर मॉड्यूल्स पार्सल्स मॉड्यूल्स हेलो डॉट एन एफ है लेकिन मॉड्यूल्स पार्सल्स नहीं है तो जब हम मॉड्यूल्स के लेवल पर आएंगे तब हम इसके बारे में और बात करेंगे लेकिन मैं बस आपको ये हाईलाइट करना चाहता था कि आप अपने जो भी आप कोड ऐड कर रहे हैं चाहे वो फंक्शन हो यहाँ पर हमने ग्रूवी के फंक्शंस यूज़ करे हैं असल में आप ये जो स्निपेट फाइल है अगर आप उसे खोलें यहाँ पर हाँ इस फ़ाइल में हमने अभी ग्रूवी के फंक्शंस यूज़ करे थे मैं आपको अंडू करके पिछले कोड को दिखाता हूँ ये ग्रूवी के फंक्शंस हैं ग्रूवी के फीचर्स हैं ज़्यादातर जो कि नेक्स्ट फ्लो इनहेरिट करता है तो आप नेक्स्ट फ्लो में भी यूज़ कर सकते हैं तो आप ये डायरेक्ट चीज़ें और ये कॉन्सेप्ट जो है आप एक सेपरेट फाइल में रख कर उस फाइल से एक फंक्शन या कुछ भी इम्पोर्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट कर सकें हम इसके बारे में अभी इस सेशन के एंड में फिर से बात करेंगे अभी के लिए बस मैं यह हाईलाइट करना चाहता था कि आप के बारे में कैसे सोच सकते हैं और इसके साथ हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं जो कि है प्रोसेस के बारे में मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अब हम कुछ कंबाइंड इनपुट चैनल्स के बारे में बात करते हैं जिसमें आप चाहें तो Uh, जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल भी देखा था कि जो पॉइजन पिल का एग्ज़ाम्पल था जहाँ पर हमने दो चैनल्स यूज़ करे थे उनमें से एक चैनल के पास एक वैल्यू थी या दो वैल्यूज़ थी और दूसरे चैनल के पास तीन वैल्यूज़ थी तो उन दोनों चैनल्स को हम एक ही प्रोसेस में कंज्यूम कर सकते हैं इस फॉर्मेट को यूज़ करके सी एच वन और सी एच टू लेकिन अगर आप एक चैनल में दो आ, एक प्रोसेस में दो चैनल्स भेज रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको उस चैनल के उस प्रोसेस के इनपुट इनपुट ब्लॉक के अंदर उन दोनों वैल्यूज़ को आ, क्या कह सकते हैं उन्हें होल्ड करना है उन्हें अकोमोडेट करना है तो इसलिए आ, आपका जो डिज़ाइन होना चाहिए प्रोसेस का वो चैनल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जो चैनल्स की डिज़ाइन है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए तो अब आप देख सकते हैं कि आ, अगर आप जैसे इस वाले एग्ज़ाम्पल को हम रन करके देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एको होगा लेकिन वन ए और टू बी का ही एको होगा लेकिन बाकी जो हमारे वैल्यूज़ हैं उन चैनल्स में वो एको नहीं हो पाएंगी क्योंकि जो चैनल जो इनपुट वन चैनल है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनपुट नंबर टू से कम है इसलिए आ, जो इनपुट वन है वो पॉइजन पेल इस प्रोसेस तक भेज देगा और प्रोसेस और इनपुट नहीं लेगा तो हमने यहाँ देखा वन ए और टू बी इस वजह से हम आ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आ, अगर एक प्रोसेस जो है दोनों दो या तीन चैनल्स कंज्यूम कर रहा है तो उसके इनपुट जो है ऐसे किल ना हो इसके बाद हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए जल्दी से आगे चलते हैं तो हम ये कवर कर सकता हूँ ईच एक इनपुट रिपीटर प्रोसेस है जैसे आप एक प्रोसेस को या एक स्क्रिप्ट सेक्शन को तीन या चार डिफरेंट टूल्स के साथ रन करना चाहते हैं तो आप ईच मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे यहाँ पर करा है मेथड्स एक सिंपल ये चैनल नहीं है चैनल सिक्वेंस चैनल है ये सिर्फ एक लिस्ट है तो आप मेथड्स नाम की एक लिस्ट बनाकर यहाँ पर पास कर सकते हैं और जैसे ही और जो भी इनपुट आएगा जैसे एक ए डॉट टी एफ फाइल अगर इनपुट आती है तो उसको नेक्स्ट फ्लो रेगुलर एक्सप्रेसो और साई कॉफ़ी के तीनों टूल्स के साथ रन करेगा तो ऐसे करके आप अपना जो कोड है उसे सक्सेंट बना सकते हैं रादर देन कि आपको पूरा कोड रिपीट करना पड़े तो इसके बाद आइए हम आउटपुट्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि असल में बहुत सिमिलर है इनपुट्स के तो हमें इतना कुछ आ, फिर से नहीं देखना लेकिन आ, मैं आपको जो भी चीज़ इसमें से स्टैंड आउट करती है मैं आपको वो हाईलाइट करके बताता हूँ जैसे ये है यहाँ पर हमने एक स्पेशल यूज़ करा है व्यू के अंदर तो व्यू के अंदर आपने यहाँ देखा कि पहले हम खाली एट का यूज़ कर रहे थे लेकिन अब हमने एट डॉट टेक्स्ट यूज़ करा है तो इट जो है वो सॉरी इट जो है आप धीरे दी, धीरे देखेंगे आ, कि ये एक आ, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट फ्लो लैंग्वेज के अंदर और इसका असल में नाम है क्लोजर तो ये जो आप कर्ली ब्रेसिस के अंदर देखते हैं आ, एक एक ऑपरेटर के साथ उसे हम कहते हैं क्लोजर तो नेक्स्ट फ्लो रन स्निपेट अगर हम स्निपेट को रन करें तो हम देख सकेंगे कि जो रैंडम वैल्यू इस रिज़ल्ट के अंदर आती है वो टेक्स्ट के साथ यहाँ पर मर्ज करके व्यू ऑपरेटर के साथ फ्रिटी प्रिंट कर देता है नेक्स्ट फ्लो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और ये सारा जो है आपको ये सारी जो आ, इसके ऊपर फर्दर इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट फ्लो रेफरेंस स्टॉक्स के अंदर मिल सकती है और इस सबसे बेहतरीन तरीका है थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना क्योंकि आप जो है आप यहाँ पे इस स्टेप के बाद असल में ये स्टेप जो है ये थोड़ा एडवांस्ड यूसेज की तरफ आता है तो आप देख सकते हैं कि आपको असल में इसकी ज़रूरत है या नहीं है आज लेकिन आप जब भी फ्यूचर में इस ट्रेनिंग को देखें या फिर इस कॉन्सेप्ट को फिर से विज़िट करना चाहें तो डेफिनेटली आप रेफरेंस डॉक्स को देख सकते हैं मल्टीपल आउटपुट फाइल्स जैसे मल्टीपल इनपुट फाइल्स हो सकता था वैसे ही मल्टीपल आउटपुट फाइल्स है यहाँ पर हमने एक पैटर्न बताया है जिसको यूज़ करके ये हमारी पहली स्क्रिप्ट में से इंस्पायर्ड से है आपको शायद याद हो हेलो डॉट एन में भी हमने ऐसे ही करा था तो इस बार जो है हम जितने भी चंक नाम की जो फ़ाइल्स होती हैं उन सबको सेंड सेंड कर रहे हैं इस चैनल के आउटपुट इस प्रोसेस के आउटपुट के साथ और उसे हम सेव कर रहे हैं लेटर्स नाम के चैनल में जब लेटर्स को लेटर्स के ऊपर हमने एक ऑपरेटर अप्लाई करा है फ्लैट मैप इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे खैर हम इसे असल में अभी भी रन करके देख सकते हैं कि क्या होगा ताकि हमें कुछ आइडिया लग जाए आ, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर कोई इनपुट नहीं है इसका मतलब ये है कि इकलौता इनपुट जो है वो स्क्रिप्ट के अंदर एम्बेडेड है तो जैसे ही वो रन होता है कुछ फ़ाइल्स जनरेट होंगी आ, चार फाइल्स जनरेट होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट स्प्लिट जो है हर एक कैरेक्टर पे है तो आप ये देख सकते हैं एच ओ एल ए चार वैल्यूज इस चार कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के स्प्लिट हो चुके हैं और उनको हमने प्रिटी प्रिंटिंग करी है आ, व्यू के बाद कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके क्लोजर यू, को यूज़ करके अब आप आगे जाएँ तो आप देख सकते हैं कि डायनामिक आउटपुट फाइल नेम्स भी आप सेट कर सकते हैं क्योंकि कुछ टूल्स जो हैं कस्टम आ, कस्ट अलाउड नहीं करते कि आप जो आउटपुट फाइल है उनका नाम कस्टमाइज़ कर सकें लेकिन आप नेक्स्ट uh, लो के डायनेमिक आउटपुट का यूज़ कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हुआ है आ, जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ यहाँ पर हुआ है इसे आप यूज़ करके अपने आउटपुट uh, को स्पेसिफिक uh, शेप दे सकते हैं अब आप कंपोजिट इनपुट और आउटपुट कंपोजिट का मतलब है टपल ऑफ वैल्यूज़ आप अभी पहले हमने देखा था कि हम दो वैल्यूज़ भेज रहे थे प्रोसेस के अंदर लेकिन अब जो है हम एक चैनल के अंदर दो वैल्यूज दो वैल्यूज़ को एज अ कलेक्शन भेज सकते हैं जैसे हम कहते हैं टपल जब भी हम चैनल्स के टर्म से बात करेंगे हम उसे टपल कहेंगे तो आप आगे आके देख सकते हैं कि जो आउटपुट और इनपुट को लेकर पैटर्न्स हैं आप हमारी नेक्स्ट फ्लो पैटर्न की वेबसाइट पर जाके इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है हम अभी के लिए आगे चलेंगे जैसे और वेन ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो वेन जो है आपकी मदद कर सकता है कि आप एक तरह से हार्ड रीसेट या फिर हार्ड ऑन और हार्ड ऑफ एक तरह से हार्ड स्विच तो अगर आपने ये स्विच ऑफ़ करा हुआ है तो अगर आपका ये वर्क फ्लो आप रन करेंगे तो भी ये प्रोसेस रन नहीं होगा क्योंकि आपका स्विच ऑफ़ है अगर आप इस प्रोसेस को यहाँ पर टेस्ट करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं वैन आप यहाँ पर बोल सकते हैं प्रैम्स डॉट रन इज इक्वल टू फॉल वेन जो कंडीशन है वो इवेल्यूट होनी चाहिए बोलियन में तो शायद ये वो करे हम अभी देख सकते हैं हमने ये रन करा और रन इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है इसके लिए हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं पैराम्स डॉट रन असल में यहाँ पे हम इसे फॉल्स की वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पर खाली इस बुलियन वैल्यू को यूज़ कर लेंगे हम आप अगर अब इसे फिर से रन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा इम्पैक्ट होगा ये प्रोसेस रन हुआ लेकिन प्रोसेस uh, आइडेंटिफाई हुआ लेकिन रन कुछ नहीं हुआ यहाँ पर लेकिन इस बार अगर हम वैन uh, का जो पैरामीटर है उसे हम ट्रू कर दें तो इस बार रन होगा वेन के अंदर आप कॉम्प्लिकेटेड या फिर अपने कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट कंडीशन डाल सकते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जो ओरिजिनल एग्जांपल है यहाँ पर फाइल नेम और फास्टा के नेम को फास्टा फाइल के नेम और टाइप के बेसिस पे ये कंडीशन एवेलुएट हुई हमने बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा इसके बाद बहुत सारे जो डायरेक्टिव्स हैं जो हमने पहले मेंशन करे हैं सी पी यूज़ मेमरी कंटेनर आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस के अंदर और वो कम्प्लीट लिस्ट मैंने आपको एक पिछले सेशन में दिखाई थी आप इस लिंक पर क्लिक करके नेक्स्ट लोकेट रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन पे वो देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट uh, अब ये हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कि आप पब्लिश डायरेक्टरी को हमने जैसे आरएनए स्क्रिप्ट सिंपल आरएनए की स्क्रिप्ट में देखा था Uh, मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जाऊंगा क्योंकि मुझे आपको ये चीज़ हाईलाइट करनी है कि आप कुछ डायरेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं एक प्रोसेस के अंदर पब्लिश डीआईआर उनमें से एक है इसका मतलब ये है कि आप सेम uh, रिजल्ट्स को दो या तीन डायरेक्टरीज़ में पब्लिश कर सकते हैं आप चाहे तो उन रिजल्ट्स को सेलेक्टिवली फ़िल्टर करके डिफरेंट डायरेक्टरीज में पब्लिश कर सकते हैं तो ये आपके डिज़ाइन चॉइस के ऊपर है Uh, लेकिन आप ये भी नोटिस करिए कि यहाँ पर आउटपुट जो है इस केस में आउटपुट है कैच ऑल इसका मतलब जो भी यहाँ पर चीज़ें जनरेट हुई नेक्स्ट फ्लो जो है बाय डिफॉल्ट स्मार्ट बिहेवियर दिखाता है और जब भी आप स्टार कहेंगे नेक्स्ट फ्लो वो फाइल्स इंक्लूड नहीं करेगा जो इनपुट के एज इनपुट यहाँ पर आई हैं तो जब आपने स्टार करा तो नेक्स्ट फ्लो ने जो भी आउटपुट जनरेट हुआ उसमें से ये फ़िल्टर आउट पैटर्न ये पैटर्न फिल्टर आउट करा और इस जगह पे वो फाइल्स पब्लिश करी तो ऐसे करके आप अपना पब्लिश डायरेक्टरी का बिहेवियर और रिजल्ट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके साथ हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स और चैनल्स जो हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत साथ में काम करते हैं हमेशा तो जब भी आप एक चैनल के अंदर कुछ भी डेटा भेजें उसको आपको रीशेप करना है या इवन व्यू करना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और ऑपरेटर्स और चैनल्स साथ में डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग की एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन है तो अगर मैं आपको एक विजुअल तरीके से ये कॉन्सेप्ट कन्वे करने की कोशिश करूं तो मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूँगा कि जो चैनल्स और ऑपरेटर्स हैं वो आपको डेटा की रीशेपिंग में हेल्प करते हैं डेटा का नेचर सेम रहता है आप आपने अगर सी फाइल भेजी है तो फाइल सी ही रहेगी ज़्यादातर अगर आप मतलब एडवांस यूसेज नहीं कर रहे लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ वो है मेजॉरिटी यूज केसेस जो 90 परसेंट ऑफ नेक्स्ट फ्लो यूजर्स करते हैं तो उसके बाद अगर आप प्रोसेस को कंसिडर करें तो प्रोसेस के अंदर आप एक टूल को यूज़ करते हैं जिसको यूज़ करके आप डेटा के एक्चुअल डेटा के नेचर को चेंज करते हैं तो हो सकता है कि आपने एक सी फाइल ली उसमें से दो फील्ड एक्सट्रैक्ट करे और उसको यूज़ करके एक टूल को आपने इनपुट पास करा तो यहाँ पर आपने जो भी उस टूल का नया आउटपुट बनेगा वो अगले चैनल की तरफ आप बढ़ा सकते हैं लेकिन एसेंशियल बात ये है यहाँ पर कि आपने प्रोसेस को यूज़ करा डेटा की शेप डेटा का नेचर चेंज करने के लिए हो सकता है शेप भी चेंज करें लेकिन मोस्टली नेचर चेंज होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो इनपुट का डेटा हो आउटपुट का डेटा हो उसका कंटेंट सेम हो लेकिन जो चैनल और चैनल uh, के ऊपर आप ऑपरेट करते हैं तो उसका मतलब यह है कि जो इनपुट का डेटा है और आउटपुट का डेटा है वो सेम होगा उसकी शेप अलग हो सकती है तो इसके बाद हम वापस चलते हैं ऑपरेटर्स की तरफ ऑपरेटर्स के पेज की तरफ और मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि ऑपरेटर्स की कुछ कैटेगरीज़ हैं जैसे फ़िल्टरिंग ऑपरेटर्स हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑपरेटर्स हैं ऐसे ही करके हमारे पास फॉर्किंग कंबाइनिंग स्प्लिटिंग और अदर ऑपरेटर्स हैं तो अगर आप एक बेसिक एग्जांपल देखना चाहें तो हम स्टार्ट कर सकते हैं मैपिंग के ऑपरेटर से जो कि शायद यहाँ पर ही डिस्कस करना अच्छा है क्योंकि हमारे पास एक विजुअल टूल uh, है यहाँ पर तो जैसे आपने ऑफ ऑफ़ चैनल डॉट ऑफ़ की जो क्यू चैनल फैक्ट्री है आपने वो यूज़ करा उसके अंदर चार वैल्यूज़ डाली डिस्टिंक्ट तो एक दो तीन चार अब उसके ऊपर अगर आप मैपिंग के मैपिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं और आप जो क्लोजर है उसका उसे आप यूज़ कर रहे हैं मैपिंग ऑपरेटर को ये बताने के लिए कि जो भी एलिमेंट आता है उसको स्क्वायर कर देना है तो मैपिंग ऑपरेटर बिल्कुल आपका आपकी जो कमांड है उसे ओबे करता है और हरेक वैल्यू को स्क्वायर कर देता है और जो इनपुट तो हमारे जो इनपुट चैनल था उसका नाम हमने नाम्स रखा था और जो आउटपुट हो गया इसका उसका नाम हमने स्क्वायर रखा है अब एंड में हमने स्क्वायर को व्यू करा तो हमारी जो वैल्यू है वो हमें ये वन फोर नाइन सिक्सटीन दिखेगी ऐसे ही आप बहुत सारे ऑपरेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं साथ में जैसे आपने यहाँ देखा कि ऑफ मैप और व्यू अगर आ, आप ये आपको ये ज़्यादा ये रीडेबल कोड नहीं लगता तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं चैनल डॉट ऑफ डॉट मैप डॉट व्यू और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम रिज़ल्ट होगा इसके साथ हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस को कवर करेंगे व्यू हमने पहले देखा हुआ है तो हम आ, इसके बारे में अभी फिर से बात नहीं करेंगे मैपिंग हमने जस्ट बात करी है उसकी आ, लेकिन शायद मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ तो इस क्लोजर के अंदर जो इट है वो एक तरह से आपके लिए उसे आप कह सकते हैं इम्प्लेसिड वेरिएबल है लेकिन उसके साथ साथ एक तरह से मैजिक है क्योंकि ये जावा या ग्रूवी की जो लेयर है उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है अगर आपने इनपुट में एक एक इस केस में जैसे दो आपने वैल्यूज़ लीं हेलो और वर्ल्ड उसका उस उन दोनों वैल्यूज़ को एक चैनल में डाला अगर आप उन वैल्यूज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप जो है इस फं इस इम्प्लिसिट वेरियल वेरिएबल के ऊपर वो वैल वो मेथड कॉल कर सकते हैं अब रिवर्स मेथड जो है यहाँ पर इसलिए वैलिड है क्योंकि वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है और जावा या ग्रूवी में जो भी स्ट्रिंग है उसके ऊपर एक रिवर्स मेथड डिफाइंड है तो इसलिए आपके पास ये रिवर्स मेथड अवेलेबल है इस क्लोजर के अंदर लेकिन आइए देखते हैं हम और मेथड्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं अगेन हमारे पास सेम सिचुएशन है कि ये स्ट्रिंग है यहाँ पर आपने एक जो भी आपके पास वर्ड आता है उसे आप एक तरह से टपल में कन्वर्ट करेंगे टपल की पहली वैल्यू होगी वो वर्ड दूसरी वैल्यू होगी उसका साइज़ और जब आप उसके बाद उसे व्यू करना चाहते हैं तो इस बार एक वेरिएबल ना हो के आपके पास दो वेरिएबल हैं जो आप आप अप, अपने अपने क्लोजर के अंदर डिफाइन रहे हैं तो जैसे ही आप उसका यूज़ करेंगे आप उसको कस्टम फॉर्मेटिंग uh, के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये स्ट्रिंग और इंटरपोलेशन का पार्ट है ये चीज़ें जो हैं आपको एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसके लिए uh, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है ये एक्सरसाइज को डेफिनेटली करें इसके बाद हम मिक्स ऑपरेटर को देखते हैं जो कि इस केस में जैसे तीन चैनल्स को लिया है जिसने और तीनों चैनल्स को लेने के बाद आप दो चैनल्स मिक्स कर सकते हो तीसरे चैनल के साथ तो यहाँ पे C1. वन डॉट मिक्स सी टू एंड सी जब ये सब मिक्स हो गया है तब आप देख सकते हैं कि सब ऑर्ड सब वैल्यूज़ जो हैं वन टू वन टू और ए यहाँ पर ए उसके बाद थ्री बी जी ये रैंडम ऑर्डर है ऐसा नहीं है कि इसका कोई पैटर्न है क्योंकि जब आपने मिक्स करा है तो ये इस बात की पूरी गारंटी है कि जितनी भी वैल्यूज़ इन तीनों चैनल्स में थी वो हमारे पास इंटैक्ट हैं लेकिन उनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मिक्स का नेचर ऐसा है मिक्स ऑपरेटर का तो इसके बाद इन चीज़ों के बारे में हमने वार्निंग्स भी ऐड करी हुई हैं तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन टूल्स को लेके इन ऑपरेटर्स को लेके तो प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिएगा फ्लैटन जो है फ्लैटन हमने पहले देखा हुआ है आ, हमारे पिछले सेक्शन में एक स्क्रिप्ट में अभी मुझे याद नहीं है शायद हमने प्रोसेस में देखा था तो जब हमने प्रोसेस में वो फ्लैटन देखा था तब हम आ, तब हमने जो है उस टपल के अंदर जो चीज़ें आई थी टपल के अंदर एक स्ट्रिंग आ, एक वैल्यू आती है तो शायद यहाँ पर लिख सकता हूँ तो ज़्यादा ईजी होगा मेरा वर्क स्पेस बंद हो चुका है जब भी, भी अगर आपका वर्क स्पेस बंद हो तो आप उसे ओपन वर्क स्पेस करके रिस्टार्ट कर सकते हैं आ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तब तक हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे अभी आ, तो जब आप फ्लैटन करते हैं इसका मतलब ये है कि पहली वैल्यू ये हुई थी और दूसरी वैल्यू ये है तो असल में इस चैनल को आपने दो कंपोजिट वैल्यूज़ के थ्रू बनाया है पहली वैल्यू है ये कलेक्शन और लिस्ट दूसरी वैल्यू है ये लिस्ट लेकिन जब आप फ्लैटन करेंगे तो ये लिस्ट जो है एक तरह से अननेस्ट हो जाएगी और इसके अंदर वैल्यूज रह जाएंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः वैल्यूज बन जाएंगी दो की जगह तो देखते हैं कि हमारा किटपॉट स्टार्ट अभी नहीं हुआ है आ, कोई बात नहीं हम अभी कलेक्ट के बारे में बात करते हैं असल में कलेक्ट हमने पहले देखा है आ, हमने कलेक्ट देखा था चैनल्स के सेक्शन में तो मैं collect का बेसिकली यूसेज है कि अगर आपके पास चार इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें आप एक कलेक्शन में डालना चाहें कलेक्ट करके तो आप collect कलेक्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिनमें से कलेक्ट uh, ऑपरेटर के जो आउटपुट आता है वो एक वैल्यू चैनल है तो कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो वैल्यू चैनल्स को जनरेट करते हैं कलेक्ट उनमें से एक है ग्रुप uh, टपल ये एक इंटरेस्टिंग uh, uh, हमारे पास uh, एग्जाम्पल है हम इसको स्टडी करेंगे यहाँ पर अब हमारे पास स्क्रिप्ट हमारा किटपॉट खुल चुका है हम इसे बंद करेंगे और जब हम इस स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अगर नेक्स्ट फ्लो रन नेक्स्ट फ्लो रन स्निपेट जैसे ही टाइप करेंगे हम देखेंगे कि जितने भी वन से रिलेटेड हमारे पास पेयर्स थे वो सब एक जगह कंबाइन हो चुके हैं जितने भी थ्री से रिलेटेड हैं तो वो कंबाइन हो चुके हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस ऑपरेटर का यूज जो है आप एक तरह से सिमिलर पैटर्न्स को लेके ग्रुप करना चाहते हैं तो असल में ये एक हैं सारे इन टपल्स में से एक कॉमन जो भी कॉमन की होगी उसके बेसिस पे ग्रुप टपल आपको सब चीजें ग्रुप करके दे देगा जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर वन के साथ ए बी सी ग्रुप हो गया और टू के साथ सी ए ग्रुप हो गया थ्री के साथ बी डी ग्रुप हो गया तो आप ये की को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर एक कस्टम लॉजिक ऐड कर सकते हैं इसे क्लोजर में कन्वर्ट करके आ, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमने एक्सरसाइज में इसका आइडिया दिया है तो प्लीज़ इन एक्सरसाइज़ को आ, के साथ गो थ्रू करिए और आपको जो है इन इन चैनल्स का रियल लाइफ में यूसेज कैसे होता है और चैनल्स और ऑपरेटर्स का तो आप आपको उसका आइडिया बनेगा आइए अब हम जॉइन को देखते हैं जॉइन बेसिकली ये एक बहुत सिंपल ऑपरेटर है असल में सारे सिंपल हैं लेकिन जॉइन और कलेक्ट जो है ये अपने अपने काम को खुद ही एक्सप्लेन करते हैं तो हमें इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं आ, इसका मतलब यह है कि आपने दो चैनल्स लिए उन दोनों चैनल्स को आप बेसिकली ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन जैसे हमने ग्रुप टपल में देखा था उसमें एक ही वैल्यू थी असल में उसके ऊपर आपने ग्रुप ग्रुप टप्पल कॉल कर, करा था लेकिन जब आप जॉइन को यूज़ करते हैं तो आपको एक आपको एक नहीं दो चैनल्स की ज़रूरत है इसमें लेफ़्ट चैनल हो गया और राइट right चैनल हो गया अब जो है आप एक्स को लेके फिर से सिमिलर चीज़ें होंगी जैसे ग्रुप टपल में हुआ था एक्स को लेके जो भी हमारे सेकंड चैनल में चीज़ें हैं वो कंबाइन हो जाएंगी जैसे एक्स वन फोर वाई टू फाइव ऐसे करके चीज़ें कंबाइन हो चुकी हैं अब हम जल्दी से ब्रांच को देखते हैं जो कि एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर uh, है और भी असल में नेक्स्ट फ्लो में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो हमने इस रेफरेंस पेज पे हाईलाइट uh, कर रहे थे मैं एक बार ऊपर स्क्रॉल करके आपको आइडिया दे, दे देता हूँ आप यहाँ पे देखें तो ये रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं जैसे इफ़ एम टी हो गया मैप हो गया सेट व्यू काउंट मैक्स मिन सम ब्रांच हो गया कंबाइन कनकैट जॉइन तो आप इन सब का यूज़ uh, कर सकते हैं और गिटपॉट के थ्रू आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको फाइल्स या फिर बहुत बड़े डेटा की ज़रूरत नहीं है जब भी आपको इन ऑपरेटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो एक छोटे से छोटा डेटा डेटा इमेजिन करिए जो कि आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है उसके बाद आप इस इन uh, ऑपरेटर्स को टेस्ट कर सकते हैं आइए अब हम देखते हैं चैनल डॉट ऑफ उसके uh, इसका मतलब यह है कि एक चैनल हमने बनाया जिसके अंदर पांच वैल्यूज़ हैं डिस्टिंग और इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं uh, उनमें से अब हम ब्रांच करना चाहते हैं ताकि जो जो भी दस से छोटी वैल्यू हो वो स्मॉल नाम के स्मॉल uh, नाम के नेम स्पेस में चली जाए और जो लार्ज नाम के स्पेस में जानी चाहिए वैल्यू वो दस से ऊपर होनी चाहिए और जो ओवरऑल चैनल का नाम होगा उसका नाम हम देते हैं रिज़ल्ट अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रिज़ल्ट डॉट स्मॉल को अगर आप व्यू करेंगे तो खाली वन टू थ्री आपको दिखेगा अगर आप रिजल्ट डॉट लार्ज डॉट डॉट व्यू करेंगे तो आपको फोर्टी फिफ्टी दिखेगा तो ऐसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर आप चाहें तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ़ फाइल्स है कुछ फाइल्स जो हैं रेफरेंस फाइल्स हैं कुछ फाइल्स इंडेक्स फाइल्स हैं तो आप ब्रांच ऑपरेटर को यूज़ करके उन रेफरेंस और इंडेक्स फाइल्स को सेपरेट कर सकते हैं आइए इसके साथ हम Uh, अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पढ़ने के लिए रेडी हैं जो कि है ग्रूवी लैंग्वेज के बारे में कुछ डिस्कशन अब हम ग्रूवी लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट लो के कोर कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है और अब हम uh, उसकी अंडरलाइंग लेयर की तरफ थोड़ा ध्यान दे सकते हैं तो ग्रूवी लैंग्वेज एक तरह से जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग uh, में ये जावा वर्ल्ड के लिए एक तरह से पाइथन है क्योंकि ये सुपर सेट है जावा लैंग्वेज का और आप जो भी जावा लैंग्वेज की लाइब्रेरी है आप उसे ग्रूवी के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं uh, हमने uh, जो 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 नेक्स्ट फ्लो लैंग्वेज है असल में ग्रूवी uh, लैंग्वेज को यूज़ करके नेक्स्ट फ्लो लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करी गई है तो आप ग्रूवी या जावा की कोई भी लाइब्रेरी जो है आप नेक्स्ट के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं uh, हम इस सेक्शन को कवर करेंगे हमने ये देखा था कि प्रिंट एलन जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है लेकिन आप उसे ग्रूवी में कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस केस में यूज़ कर सकते हैं शायद आपको याद हो कि अगर आप प्रिंट एल के अंदर एक चैनल को भेजें तो चैनल की वैल्यू सही से प्रिंट नहीं होंगी क्योंकि चैनल एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके लिए आपको एक व्यू ऑपरेटर को यूज़ करना होगा ताकि आप उसके कॉन्टेंट को व्यू कर सकें इसके अलावा हमने कमेंट्स को देखा हुआ है पहले सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स ये हमने uh, पहले और दूसरे सेशन में कवर करे हैं वेरिएबल्स हमने काफ़ी सारे वेरिएबल्स यूज़ करे हैं और क्रिएट करे हैं जो भी हम अंडर्स को सी एच करके वेरिएबल बनाया चैनल का नाम दिया या फिर एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को हमने एक वेरिएबल में सेव करा तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट हैं ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं है लेकिन एक चीज़ में हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप एक फंक्शन या क्लोजर के अंदर कोई फं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें डेफ ज़रूर ऐड करें ताकि वो अगर वो वो नाम आप उस स्कोप के बाहर यूज़ करते हैं तो उससे ओवरलैप ना हो तो इसलिए डेफ जो है गुड और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में आता है आप उसका यूज़ ज़रूर करिए लिस्ट हमने लिस्ट का एग्जाम्पल देखा था एक फ्रॉम लिस्ट पाथ फैक्ट फ्रॉम लिस्ट चैनल फैक्ट्री को जब हमने कवर करा था तो असल में जब आप लिस्ट को देखें चलिए जल्दी से इसका एग्जाम्पल हम कवर कर सकते हैं मेरा किटपॉट फिर से टाइम आउट हो गया है तो उससे स्टार्ट होने में एक या दो मिनट लगेंगे लेकिन कोई बात नहीं हम अभी यहीं पे पर यहीं पे आगे बढ़ सकते हैं तो जैसे लिस्ट है लिस्ट एक टिपिकल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है आप उसमें क्या कर सकते हैं अब आप लिस्ट को आ, इंडेक्स के हिसाब से उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर साइंस में ज़ीरो या वन इंडेक्स की ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्टिंग होती है और ये इंडेक्स ज़ीरो हो गया ये इंडेक्स वन हो गया ये इंडेक्स टू और थ्री जबकि साइज ओवरऑल है फोर तो इस हिसाब से आप इस इंडेक्स वैल्यू और इस नॉलेज को यूज़ करके आप स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ को एक लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं एक लिस्ट अब हम क्योंकि ग्रूवी की बात कर रहे हैं तो ये हम बात ये मैं बताना चाहूँगा कि एक लिस्ट जो है एक ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स हैं जैसे कि स्ट्रिंग के मेथड्स हैं रिवर्स हो गया अपर हो गया वैसे ही एक लिस्ट के मेथड्स होते हैं जैसे साइज हो गया गेट हो गया इसके अलावा एक असर्ट स्टेटमेंट uh, है जो ग्रूवी लैंग्वेज ऑफर करती है हमें जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं uh, एक प्रोग्राम से सवाल पूछने के लिए तो uh, इसके लिए या तो हम ट्रेडिशनली इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं या स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं या बुलियन चेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो असर्ट जो है एक तरह का बुलियन चेक है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं जब आपकी पाइपलाइन रन हो रही है कि कुछ एक वैल्यू जो है वो आपके एजाम्शन से मैच करती है कि नहीं करती तो जैसे ही हमारा डिप स्टार्ट होता है हम इसी एग्जाम्पल से अपने प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे लेकिन अगर आप आ, कुछ आगे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि असर्ट आप, आप अपने एक लिस्ट डिक्लेयर करी फॉर एग्जांपल और उसका अगर आप नेगेटिव इंडेक्स देखना चाहें तो ये पाइथन की तरह है आप पीछे से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं लिस्ट की तो आप पाइथन की तरह स्लाइसिस को यूज़ कर सकते हैं इसके साथ साथ स्लाइसिस और रेंज इसके साथ साथ आप आ, अगर आपके पास जावा की नॉलेज है या जावा की नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप इसकी अंडरलाइंग डिटेल्स को देख सकते हैं जैसे कि जावा यूटिल लिस्ट इंटरफेस है और उसके साथ साथ ग्रोवी लैंग्वेज ने कुछ और एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ ऐड करी हैं लिस्ट के जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें अब जैसे कि हमारा गिट का वर्क स्पेस री हो चुका है तो हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को इस यहाँ पर रन करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आइए हम ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं लिस्ट का और असर्ट का और देखते हैं कि हम असर्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम प्रिंट एलिन का यूज़ करके लिस्ट को प्रिंट करेंगे उसके बाद हम एक वैल्यू असर्ट करेंगे और फिलहाल के लिए एक इस लाइन को हम कॉमेंट आउट करेंगे सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ करके जो कि है डबल फॉरवर्ड स्लैश आप देखिए कि जो हमारी लिस्ट है वो uh, क्योंकि ग्रूवी का नेटिव डेटा स्ट्रक्चर है तो प्रिंट एलन उसे समझता है इसके साथ साथ जो असर्ट है वो सही काम करा क्योंकि उसने एरर कोई थ्रो नहीं करा लेकिन अगर मैं यहाँ पर चेंज करके थ्री कर देता हूँ तो देखते हैं कि क्या बिहेवियर होगा अब आप देखिए कि असर्ट ने हमें ये बताया कि जो हमारी आजम्शन थी वो सही नहीं है इसलिए उसने कंट्रोल फ्लो को या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वहीं पे रोक दिया इसके साथ हम इस लाइन को कमेंट आउट करेंगे और अगले कमांड को देखेंगे यहाँ पर जो है हमने डायनामिक लिस्टिंग डायनामिक इंडेक्स का रिवर्स uh, और नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे पाइथन में होता है माइनस वन वैसे ही ग्रूवी में भी माइनस वन है माइनस वन से ज़ीरो तक इसका मतलब आ, पीछे से स्टार्ट करते हुए पूरी लिस्ट को कवर करना और अगर लिस्ट का हम रिवर्स मेथड कॉल करें तो क्या ये दोनों सेम वैल्यूज़ देती हैं हमें कि नहीं आ, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एरर नहीं आया इसका मतलब ये असम्शन करेक्ट है ये असर्शन करेक्ट है मैं एक बार फिर इसे मूव करता हूँ यहाँ और अब हम देख सकते हैं कि हमारी असर्शन करेक्ट थी इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रूवी में एक और तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है वो है मैप जिसे आप पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं या फिर आपने शायद हैश मैप के नाम से भी सुना हो एसोसिएटिव वरीज के नाम से भी सुना हो तो ये मैप जो है ये बहुत ही वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर है आप इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत तरीके से और अगर आप इसे डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करें तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रिंट होगा ये ग्रूवी का नेटिव डेटा स्ट्रक्चर है तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये पूरी तरह से प्रिंट होगा और हमारी एक्सपेक्टेशन सही थी तो आइए देखते हैं हम कि मैप्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं हम मैप्स के मैप्स का मैप्स की एक एक मैप में से स्पेसिफिक की की एसोसिएटेड वैल्यू को निकाल सकते हैं इस तरह से और डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये तीसरा फॉर्मेट हमारा ऐसे है तो ग्रूवी एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है तो आप बहुत तरीक़ों से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ आप अगर ऐड करना चाहें कोई डेटा तो आप जैसे पाइथन के साथ होता है आप पाइथन का लगभग सेम फॉर्मेट है आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं लेकिन अगर आप जावा जावा के यूज्ड यूज हैं तो आप उसके हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं ऐसे ही एक मोर वर्बोस फॉर्मेट है जैसे यहाँ पे गेट है वैसे ही पुट भी है और उसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पर नोट है कि जावा जावा डॉट यूटिल डॉट मैप का जो इंटरफेस है प्लस जो ग्रूवी ने एक्स्ट्रा गुडीज़ ऐड करी हैं वो सब आपको इस मैप के मैप डेटा स्ट्रक्चर के साथ मिलता है स्ट्रिंग इंटरप्रेशन मैं इसके बारे में इतनी बात नहीं करूँगा क्योंकि हमने ये अभी तक बहुत जगह पर देख लिया है और जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप आप इसको समझ सकेंगे लेकिन इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हम बस ये एग्ज़ाम्पल रन करके देखेंगे कि ये ऐसा क्यों प्रिंट होता है आप यहाँ पे देखिए कि हमारे जो गिड पॉड है उसमें सिंटैक्स हाईलाइटिंग इनेबल्ड है तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये फॉरवर्ड स्लैश टी और ये बैकवर्ड स्लैश टी अलग तरीके से हाईलाइट है इसका मतलब ये है कि ये इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन अलग है लेकिन अगर जब हम आ, हम इसे स्ट्रिंग्स के अंदर रखें ये बेसिकली ये रेगुलर एक्सप्रेशन का फॉर्मेट है कि एक स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश है और एक एंड में फॉरवर्ड स्लैश है और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो आइए देखते हैं कि दोनों कैसे प्रिंट होंगी एक्स और वाई कैसे प्रिंट होते हैं हम देख सकते हैं कि पहले केस में पूरी तरह से प्रिंट हुआ है सब कुछ और दूसरे केस में टी गायब हो गया है इसका मतलब बैकवर्ड स्लैश टी जो है वो री इंटरप्रेट हुआ है लेकिन अगर हम इसे कंफर्म करना चाहें कि, कि किस की वैल्यू क्या थी तो आप उस इस इसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की वैल्यू स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट एलन को आपको पैरेंथिस की ज़रूरत नहीं है अगर आप अब रन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं कि रिज़ल्ट कैसा होगा देखिए तो एक्स जो है हमारा पूरी तरह से जैसा हमने लिखा था वैसा ही प्रिंट हुआ है और जो वाई है हमारा उसमें जो बैकवर्ड स्लैश टी था वो टैब में कन्वर्ट कर दिया गया है और पहले टी के बाद बाकी दोनों टी अपीयर नहीं करते ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो स्ट्रिंग्स के जो फॉर्मेट हैं ये उस पर डिपेंड करता है और ग्रूवी में आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जी स्ट्रिंग का तो आप उसे उसका इस्तेमाल होता है नेक्सलो में भी लेकिन अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप क्रूवी uh, की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं इसके लिए हम इसे आ, इस जो एक्स वेरिएबल है उसका बेसिकली नाम है स्लाशी स्ट्रिंग्स uh, लेकिन आप उसे रेगुलर एक्सप्रेशन और पैटर्नस को ढूंढने के लिए यूज़ करेंगे जनरली उसके बाद हम मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स को देख सकते हैं असल में ये मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स है जो कि स्क्रिप्ट सेक्शन या शेल के सेक्शन को कवर करता है तो हमने ये पहले देखा हुआ है लेकिन आप इसे स्लैशी स्ट्रिंग्स की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं तो अगर आप चाहें तो इन चीज़ों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारी जावा लाइब्रेरीज हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं इसके साथ हम टिपिकल और जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट लाइक एफ एल्स को देखते हैं यहाँ पे आ, क्रूवी जो है काफ़ी फ्री फॉर्म लैंग्वेज है इसका मतलब है कि आप चाहें तो करली ब्रेसिस को यहाँ पे मेंशन करें या फिर कॉलन लगाएं या ना लगाएं तो वो आपको फ्रीडम देती है जो आप फॉर्मेटिंग स्टाइल या लिंटिंग स्टाइल अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं आ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फॉर लूप की तरफ ये हमारा टिपिकल जावा सी प्लस प्लस सी का फॉर लूप है और इसमें कोई मैजिक नहीं है लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि एक एडवांस्ड फॉर लूप का फॉर्मेट भी है जो कि है आ, जो कि कलेक्शन इटरेशन तो एक इटरेशन वर्जन भी आता है जिसमें आपको ये इंट आई ज़ीरो ऐसे करके डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है अब देखते हैं फंक्शंस क्योंकि फंक्शंस के साथ हमारा अगर आपने और लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी है तो फंक्शंस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके प्रोग्राम्स के फंक्शंस हो गए या मेथड्स हो गए आइए इस फंक्शन को हम रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये असर्शन करेक्ट है हमारी या नहीं है तो जहाँ तक दिख रहा है हमारी असर्शन करेक्ट है आ, लेकिन अगर हम इस फंक्शन को ग्रूवी के स्टाइल में डिक्लेयर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं क्योंकि ये अभी बहुत एक तरह से जावा ओरिएंटेड सिंटैक्स है लेकिन आप सेम चीज़ को ग्रूवी के स्टाइल से भी डिक्लेयर uh, कर सकते हैं यहाँ पर फिबनाची फंक्शन है लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल uh, फंक्शन है देखिए यहाँ पे आपको टाइप की डेफिनेशन टाइप uh, को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर ना रिटर्न लिखने की ज़रूरत है ना ना ही आपको आर्ग्यूमेंट के टाइप बताने की ज़रूरत है तो ये ग्रूवी जो है जैसे पाइथन आपको फ्रीडम देता है जब आप ने शायद C++ में प्रोग्रामिंग करी हो उसके बाद आप पाइथन में आते हैं तो बहुत ये जो डायनेमिक टाइपिंग है उसकी वजह से आपको बहुत फ्रीडम मिलता है बहुत जल्दी अपने प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं सेम फीलिंग ग्रूवी के साथ है इसके बाद हम आते हैं क्लोजर्स के ऊपर क्लोजर्स मैंने अभी तक आपको बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स में मैंशन करा है लेकिन स्पेशली मैंने व्यू ऑपरेटर के साथ आपको क्लोजर्स काफ़ी बार मैंशन करा है Uh, क्योंकि क्लोजर जो है वो एक तरह से हमारा मैजिक या टेक्निकली स्विस आर्मी नाइफ़ है नेक्स्ट नेक्स्फ्लो ग्रूवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारी लैंग्वेज में होता है क्लोजर का कॉन्सेप्ट लेकिन ब, बात ये है कि ग्रूवी के अंदर और कॉन्सिक्वेंटली नेक्स्ट फ्लो के अंदर हम इस पर और भी ज़्यादा रिलाई करते हैं तो जैसे ये जो फंक्शन है हमने यहाँ पर फंक्शन uh, ऐसे डिफ़ाइन करा है हम इसकी जगह इस फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर और यहाँ पर हम कह सकते हैं एन एन तो ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट बिल्कुल बराबर है अगर आप इन चीज़ों को लेके क्यूरियस हैं आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझना चाहते हैं मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप क्लोजर को अच्छे से समझें क्योंकि जितना अच्छे से आप क्लोजर को समझेंगे उतने अच्छे से आप चैनल्स के ऊपर ऑपरेटर्स को अप्लाई कर पाएंगे इसका मतलब डेटा की रीशेपिंग का जो लॉजिक है वो आप और अच्छे से कर पाएंगे आ, हम आगे चल के ये देखते हैं कि अगर एक आपने जैसे ये आ, क्लोजर डिफाइन करा यहाँ पर और उस क्लोजर को एक वेरिएबल को असाइन कर दिया इसका मतलब है आपने एक तरह से एक फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे एक्सप्लिसिटली कॉल मेथड को यूज़ करके या फिर डायरेक्टली उसको एक अप्लाई कर सकते हैं उसको एक नंबर सप्लाई कर सकते हैं आप तो वो वैल्यू आपको कंप्यूट करके देगा अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कलेक्ट है कलेक्ट में कलेक्ट uh, को यूज़ कर कलेक्ट uh, के साथ जो है आप स्क्वायर क्लोजर का यूज़ कर सकते हैं जो कि स्क्वायर वन बनेगा पहले और स्क्वायर टू बने टू बनेगा स्क्वायर थ्री बनेगा स्क्वायर फोर बनेगा और इस वजह से इस सारी सेट ऑफ वैल्यूज़ को वो स्क्वायर uh, करके आपको रिटर्न कर देगा ऐसे ही आप ये, ये एक और स्क्वायर की डेफिनेशन देख सकते हैं जो कि ज़्यादा एक्सप्लिसिट है आपको शायद याद हो कि मैंने आपको बताया था कि एट uh, जो वेरिएबल है वो डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट वेरिएबल है आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर आप एट को ये फुल फॉर्मेट है लिखने का लेकिन अगर आपको इस इस वेरिएबल को इस इम्प्लिसिट वेरिएबल को एक कस्टम नाम देना है या फिर आपको दो वेरिएबल यूज़ करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं नम वन नम टू जो भी आप यहाँ करना चाहें वो आप ऐसे कर सकते हैं आ, तो ये डिपेंड करता है कि आपके कॉन्टेक्स्ट में आप आ, कैसे आपका प्रोग्रामिंग स्टाइल है आप कैसे रीडर के लिए लाइफ इजी करना चाहते हैं आपके कोड के रीडर के लिए तो आप ये चीज़ें तब कंसिडर कर सकते हैं ऐसे ही आ, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रिंट मैप जो है एक क्लोजर है जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और उन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू यूज़ करके प्रिंट एल को अप्लाई कर देता है तो इसका मतलब ये है कि आपने मैप के लिए आपको शायद याद हो कि हमने मैप को एक प्रिंट करके देखा था स्टार्टिंग में आ, और या थोड़ी देर पहले अगर हम यहाँ पर इस मैप को डायरेक्ट प्रिंट करें आ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के साथ चलिए कहते हैं प्रिंट और वैल्यूज़ तो आइए देखते हैं कि जो हमने प्रिंट मैप को डिफ़ाइन करा है या फिर ये जो ग्रूवी लेवल का प्रिंट एलन है हम उसे uh, उसका बिहेवियर क्या है इस मैप के साथ और एक ईच uh, और ईच मेथड और प्रिंट मैप क्लोजर का जो कॉम्बिनेशन है उसका बिहेवियर क्या है आइए देखते हैं अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रू जो हमारा नॉर्मल प्रिंट मेथड है वो उसने सब कुछ की वैल्यू पेयर हमें डायरेक्टली प्रिंट करके दे दिया लेकिन जो कस्टम प्रिंट मेथड है हमारा प्रिंट मैप उसने हमें इन सारी वैल्यूज़ को एक कस्टम प्रिटी फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट करके दिया है क्योंकि हमने ए और बी यहाँ पे जो ए का मतलब है वो हो गया की और बी होगी वैल्यू इसको हम और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं के वी लिख के और अब जो है शायद आपके रीडर के लिए ये समझना आसान आसान हो जाए चलिए आगे चलते हैं क्लोजर के दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इट कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई वेरिएबल्स इन द स्कोप वेयर इट इज़ डिफाइंड इसका मतलब जो है कि जैसे आपने रिजल्ट बनाया और ये एक मैप डिक्लेयर करा तो उसके बाद अगर आप ये क्लोजर अप्लाई कर रहे हैं क्लोजर के अंदर आप ये अप्लाई कर रहे हैं एक एक सेट ऑफ वैल्यूज़ पे यहाँ पे हम जो है एक, एक कुछ समय के लिए ये मान लेते हैं कि ये खाली एक लिस्ट है लिस्ट में से लिस्ट पर हर एक लिस्ट के हर एक एलिमेंट पर आपने ये मेथड अप्लाई करा और जो रिज़ल्ट है वो आप इस वेरिएबल के साथ ऐड करते जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि अपने स्कोप से बाहर जाकर क्लोजर जो है वेरिएबल्स को को एक्सेस कर सकता है इसी वजह से ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पर डेफ लिखें ताकि आप एक्सीडेंटली कोई प्रोग्राम का वेरिएबल ना चेंज करें आ, ये इसलिए हमारा बेस्ट प्रैक्टिस का एक पार्ट है दूसरा पार्ट है कि क्लोजर कैन बी डिफाइन इन एन अनोनमस मैनर मैनर अगर इसका बेसिकली मतलब है कि जैसे पहले हमने जब भी क्लोजर डिफाइन करा था उसका हमने नाम दिया था जैसे प्रिंट मैप हो गया यहाँ पर Uh, आप उसे डायरेक्टली ऑन द फ्लाई भी डिफ़ाइन कर सकते हैं आपको कुछ नेमिंग uh, सेरेमनी की ज़रूरत नहीं है और इसके साथ uh, आप डिफ़ाइन uh, करते ही डिफ़ाइन uh, करने के साथ साथ आप उसे अप्लाई भी कर सकते हैं और एंड में uh, जो आउट ऑफ स्कोप वेरिएबल है अगर आपने आपके क्लोजर में आपने उसे चेंज करा है उसकी वैल्यू इंटैक्ट है और वो आपको फाइनल वैल्यू कंप्यूट जो भी वैल्यू कंप्यूट हुई है आप उसे प्रिंट कर सकते हैं आप ग्रूवी लैंग्वेज के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं और भी अच्छे से इसे सीखना चाहते हैं तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज की ऑफिशियल क्लोजर पार्ट की इसकी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही बढ़िया है आ, उसके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन uh, का पूरा डॉक्यूमेंटेशन का लिंक यहाँ पर है और एक स्पेसिफ़िक बुक है ग्रूवी इन एक्शन जो हम रेकमेंड करते हैं ऑफिशियली जिसके थ्रू आप अपनी लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी कर सकते हैं इसके साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है मॉड्यूलराइजेशन जो कि हमने काफ़ी हद तक पहले ही कवर कर लिया है लेकिन यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट को रिविज़िट करेंगे ताकि हम उन्हें कनेक्ट कर सकें जो भी हमने पहले कराया है उसके साथ मॉड्यूलराइजेशन वो फ़ीचर है नेक्स्ट फ्लो का जिसकी वजह से आप अपने पाइपलाइन के कोड को रियूजबल बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसका मतलब आप अगर एक फंक्शन है या एक प्रोसेस है जिसे आप बार बार दूसरे सब वर्क में यूज़ कर रहे हैं आप इसे सेपरेट करके एक फोल्डर में रख सकते हैं और उसे सब दूसरे सब वर्क में इंक्लूड करके उसका यूज़ कर सकते हैं तो आइए हम देखते हैं कि एक स्क्रिप्ट को जो कि हमने पहले बनाई थी हेलो डॉट एन एफ स्क्रिप्ट उसके कॉन्टेक्स में हम मॉड्यूलराइजेशन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आ, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मॉड्यूल्स का फ़ीचर है नेक्सलो का ये डी एस एल टू का फीचर है और ये 2020 के साथ लॉन्च हुआ था और 2020 में लॉन्च हुआ था और आ, कुछ साल की इनक्यूबेशन के बाद ये अब प्रमोट करके एक प्रोडक्शन फीचर बना दिया गया है तो अब आपको बाय डिफॉल्ट डी एस टू मिलती है अगर आपको डी एस वन इनेबल करना है तो आपको वो कन्फिग्रेशन या फिर कमांड लाइन पैरामीटर के थ्रू इनेबल करना होता है जैसा कि हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स में देखा था आ, अब अगर हम हेलो डॉट एन स्क्रिप्ट को हम खोलें हमारे गिटपॉट के एक्सप्लोर को यूज़ करके हेलो डॉट एन एफ़ इसका एक बार फिर से जल्दी से एनालिसिस करते हैं इस स्क्रिप्ट में एक पैरामीटर है उस पैरामीटर को लेके हमने एक चैनल बनाया और एक प्रोसेस है स्प्लिट लेटर्स नाम का दूसरा प्रोसेस है कन्वर्ट टू अपर नाम का और एक वर्क फ्लो है जो इन दोनों प्रोसेस को यूज़ करता है तो आइए पहले हम जो है स्प्लिट uh, लेटर्स को हटा कर uh, को कट कर, कर इस फ़ाइल को सेव करते हैं और एक और फाइल को खोलते हैं मोड्यूल्स डॉट हेलो डॉट एन एफ तो ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रक्चर होगा लेकिन हम उससे पहले इस फाइल को मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि हम कर सकते हैं आ, एक नई फाइल को बनाकर जिसका हम नाम देंगे हमें डेटा के अंदर नहीं शायद कोड सी एल आई टूल के ज़रिए करें तो बेहतर है हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं कोड एक फोल्डर बनाते हैं हम पहले मेक द आई आर मॉड्यूल्स ताकि ये एन एफ कोर का जो पैटर्न है मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर को यूज़ करने का हम उसे फॉलो कर सकें तो हम मॉड्यूल्स का फोल्डर बना के उसके अंदर एक फाइल ऐड करेंगे जिसका नाम हम देते हैं स्प्लिट लेटर्स या फिर एक साथ रखते हैं ताकि मॉड्यूल के नाम से सिंक्रोनाइज रहे वो तो यहाँ पर हम उस प्रोसेस को ऐड कर देंगे प्रोसेस स्प्लिट लेटर्स और इसके साथ हम वापस हेलो डॉट एन एफ़ और दूसरे प्रोसेस को कॉपी करके उसे भी हम एक दूसरी फाइल बनाकर ऐड कर देंगे मॉड्यूल्स कन्वर्ट टू अपर डॉट एन एफ़ यहाँ पर जैसे ही हमने इस फ़ाइल को सेव करा अब आप जो है हेलो डॉट एन एफ फाइल पर वापस आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्क फ्लो है जिसमें दो मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं अगर आप इसे रन करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट फ्लो कंप्लेन करेगा और एरर थ्रो करेगा कि आप आ, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर रहे हैं और हेलो डॉट एन एफ़ तो आइए एक बार हम एरर मैसेज को देखते हैं ताकि हमें अगर हम इसे फ्यूचर में देखें तो हमें कुछ आइडिया रहे इस पर देखिए यहाँ पर बोलता है नेक्स्ट लो हमें बता रहा है कि मिसिंग प्रोसेस और फंक्शन स्प्लिटर स्प्लिट लेटर्स ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमने उन प्रोसेस uh, को निकाल कर दूसरे फाइल्स में रख दिया है तो अब अगर आप मॉड्यूल्स डॉट हेलो डॉट एन एफ़ को खोल के देखें तो आप देख सकते हैं कि हम या तो उन्हें एक ही फाइल में रख सकते थे या तो हम उन्हें डिफ़रेंट uh, फाइल्स में रख सकते हैं जो कि हमने चूज़ uh, करा है uh, पहले चलिए हम इसे कस, इसे कस्टमाइज़ करके यहाँ पर देखते हैं मॉड्यूल्स और यहाँ पर हम उसका नाम दे सकते हैं फाइल का पूरा नाम दे सकते हैं स्प्लिट लेटर्स डॉट एन एफ़ और यहाँ पर फिर से आ, कन्वर्ट टू अपर डॉट एन एफ़ अगर हम इसे रन करने की कोशिश करेंगे तो इस बार नेकफलो हमें कोई आ, मैसेज कोई एरर मैसेज नहीं देना चाहिए लेकिन मेरे को लगता है कि हमने नाम गलत यूज़ करा है यहाँ पर तो हम इसे भी अपडेट करेंगे इसका नाम है स्प्लिट लेटर्स और इसको हम कहते हैं कन्वर्ट टू अपर तो इसको हम लेकर यहाँ पर ऐड करेंगे और स्प्लिट लेटर्स को लेकर यहाँ पर डालेंगे इसके साथ अब हम इस पाइपलाइन को इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए रेडी हैं मॉड्यूल्स हेलो डॉट एन एफ इस स्क्रिप्ट का नाम है ये देखते हैं कि हमारे पास सेम रिज़ल्ट आता है कि नहीं बिल्कुल सो so हमारी जो स्क्रिप्ट है हमने उसे सक्सेसफुली मॉड्यूलराइज कर दिया है लेकिन अब मैं आपको एक और आ, तरीका दिखाना चाहता हूँ मॉड्यूलराइजेशन का जो हमें हेल्प करेगा अगले स्टेप्स को कवर करने में तो आइए मैंने सब कुछ रीडू कर दिया है तो जहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट रन करी थी हम वापस उसी जगह आ गए हैं आ, अब हम जो है मॉड्यूल्स डॉट एन के अंदर ही इन दोनों मॉड्यूल्स को रखना चाहते हैं तो हम एक नई फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा मॉड्यूल्स डॉट एन एफ और इस फाइल के अंदर मैंने पहला कन्वर्ट टू अपर पेस्ट कर दिया है जिसके साथ साथ मैं पेस्ट करूँगा जो हमारा कोड मॉड्यूल्स स्प्लिट लेटर है इसके कोड को सर मॉड्यूल्स यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि एक ही फाइल के अंदर मैंने दो मॉड्यूल्स ऐड कर दिए हैं इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं मॉड्यूल्स डॉट हेलो डॉट एन के अंदर जाके इन दोनों मॉड्यूल्स को एक फ़ाइल से इंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो वो भी हमारा वैलिड एग्जीक्यूशन होना चाहिए तो आइए इसे रन करके देखते हैं हम बिल्कुल ये हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही तरीके से रन हुआ है इसके साथ मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ आ, ले जाना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि आप एक ही फाइल से एक ही कमांड को यूज़ करके दो मॉड्यूल्स या दो प्रोसेस इंक्लूड कर सकते हैं डायरेक्टली अगर आप फिर से रन करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट सेम आना चाहिए आप देख सकते हैं हमारा रिज़ल्ट अभी भी सेम है इसकी वजह से अब आप जो है चाहें तो अगर वी सी एफ मैनिपुलेशन मॉड्यूल्स हैं उनको आप एक फाइल में रखना चाहें या एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स में रखना चाहें तो अब आपके पास ये डिज़ाइन पैटर्न अवेलेबल है जैसे आप अपनी टीम में सही समझे आप वैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या तो आप एन एफ़ का जो टेम्पलेट है आप उस पर रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करता है आइए इम्पोर्टिंग मॉड्यूल्स को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है मॉड्यूल मल्टीपल इम्पोर्ट्स को कवर कर लिया है अब मॉड्यूल अलायसेस को देखते हैं तो बेसिकली मॉड्यूल अलायसेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक ही मॉड्यूल को सेम स्क्रिप्ट में या सेम वर्क फ्लो के अंदर फिर से यूज़ करना है तो अगर आप इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपने अब हम हेलो डॉट एन एफ फाइल की तरफ पढ़ते हैं जिसे हमने ओरिजिनली एडिट करा था इसके अंदर आके हम देख सकते हैं कि मॉड्यूल्स डॉट एन एफ़ में से मैं स्प्लिट लेटर्स को इम्पोर्ट कर रहा हूँ लेकिन पहली बार मैंने एक नाम से इम्पोर्ट करा है दूसरी बार मैं दूसरे नाम से इम्पोर्ट कर रहा हूँ सेम फाइल से यह हमें इसलिए करना है क्योंकि नेक्स्ट फ्लो लैंग्वेज है उसका जो वर्क फ्लो का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आप सेम मॉड्यूल को एक ही नाम से दोबारा नहीं यूज कर सकते फिलहाल तो इसलिए हमें मॉड्यूल अलायसिस का कॉन्सेप्ट समझना है और हम उस हिसाब से अपने मॉड्यूल्स को रीइम्पलीमेंट कर सकते हैं आप यहाँ देखिए कि लेटर्स सी एच वन स्प्लिच स्प्लिट लेटर्स वन स्प्लिट लेटर्स कन्वर्ट टू अपर वन और उसी हिसाब से हमने इस पूरे प्रोसेस को एक तरह से डुप्लीकेट कर दिया है जो हमारे सेकेंड मॉड्यूल्स है उस जो हमने सेकेंड या मिरर मॉड्यूल्स इंपोर्ट करे हैं मॉड्यूल्स डॉट एन फाइल से तो अगर हम इस प्रोसेस इस इस फाइल को रन करके देखते हैं नेक्स्ट फ्लो रन हेलो हेलो डॉट एन एफ तब अब हम देखेंगे कि दो बार हेलो प्रिंट होगा और दो बार वोल्ड प्रिंट होगा यहाँ पे हम देख रहे हैं दो बार हेलो प्रिंट हुआ है और दो बार वोल्ड प्रिंट हुआ है आ, इसके साथ हम अगले सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं प्लीज़ ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए जब भी आप इस ट्यूटोरियल इन ट्यूटोरियल वीडियोस को देख रहे हैं या फिर आप uh, इस ट्यूटोरियल कंटेंट को देख रहे हैं अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए इजी होगा कोरिलेट करने के लिए तो हमारी एक रिकमेंडेशन uh, है कि आप जो हमने सिकेरा आर एन एस पाइपलाइन बनाई थी आर एन पाइपलाइन बनाई थी uh, पहले सेशन में पहले सेशन के एंड में उसे आप मॉड्यूलराइज़ करें तो ये बहुत बेहतर होगा इसके साथ हम बढ़ते हैं आउटपुट डेफिनेशंस की तरफ तो जो हेलो डॉट एन एफ़ है हम उस पर फोकस करते हैं वापस चलिए मॉड्यूल्स डॉट हेलो डॉट एन एफ़ पर करते हैं क्योंकि अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम फोकस कर सकते हैं जिसको देख जिस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान रखना है अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने हर बार एक प्रोसेस को कॉल करा प्रोसेस को कॉल करते टाइम उसका इनपुट दिया इनपुट चैनल्स को कनेक्ट करा उस प्रोसेस से और जैसे ही प्रोसेस रन होता है तो जो आउटपुट आता है उसे हम दूसरे चैनल में सेव कर रहे हैं लेकिन अगर हम चाहें तो इसे डायरेक्टली यहाँ से लेके इस जगह पर हम सेव कर सकते हैं और हम जब ये पैटर्न यूज़ करते हैं तो हम नम पहली बात है कि हमें इतने सारे इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो है एक्सप्लिसिट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और दूसरा आप आ, जैसे कि जानते हैं ऑपरेटर्स को डॉट फॉर्मेट यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं तो अब ये फॉर्मेट भी हमारा पूरी तरह से वैलिड है इस बार हम इसे रन करके देखते हैं यहाँ पर हमें अभी एरर आया है ए प्रॉपर्टी आउट ऑफ आ ओके तो सॉरी मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर जब हम प्रोसेस को कॉल करते हैं तो प्रोसेस के कॉल का जो फॉर्मेट है वो एकदम फंक्शन कॉल की तरह है लेकिन जब आप प्रोसेस के आउटपुट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जो ये पैरेंथेसिस हैं तब उसकी ज़रूरत नहीं है तब आपको उस टाइम पे कोई भी इनपुट नहीं देना है तो अब अगर हम अपने स्क्रिप्ट को रन करके देखेंगे तो हमारी स्क्रिप्ट जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट देगी देखिए तो जो हमने आ, हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई और हमने जो है आ, जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स थे इंटरमीडिएट वेरिएबल्स थे जिनका खाली एक ही बार यूज़ हुआ है उन्हें एलिमिनेट कर दिया तो हो सकता है कि आप इस फॉर्मेट को ज़्यादा रीडेबल समझें लेकिन हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स है जिस जो शायद आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो मैं भी आपको उसके बारे में बताता हूँ लेकिन उससे पहले हम एक बार वापस मॉड्यूल्स डॉट एन एफ फाइल में जाके इसको देखते हैं कन्वर्ट टू अपर और स्प्लिट लेटर्स अभी जो है हमारे पास आ, एक एक Uh, दोनों प्रोसेस में से एक ही आउटपुट आता है लेकिन अगर हम नेम्ड uh, आउटपुट लेना चाहें तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं जैसे चंक uh, फाइल्स तो ये नेम आउटपुट हो गया और अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो यहाँ पे दे सकते हैं हम कन्वर्ट टू अपर एक्ड आउटपुट तो चलिए अब जो है हम स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं अभी तक हमने इन एमिट इन नेम्ड आउटपुट को कहीं पर यूज़ नहीं करा है हमने बस डिक्लेयर करा है लेकिन हम कंफर्म कर सकते हैं पहले ही कि कुछ ब्रेक तो नहीं हुआ यहाँ पर हमारे साथ नेक्स्ट uh, वो ये बता रहा है कि एक चीज़ ब्रेक हुई है और वो है कॉमा इस जगह पे तो स्टैंडर्ड आउटपुट के स्टैंडर्ड आउट जब आप यूज़ करते हैं उसके साथ कॉमा नहीं यूज़ करना है तो अब आप देख सकते हैं कि आ, हमारे पास नेम्ड आउटपुट यहाँ पर है और दूसरा नेम आउटपुट यहाँ पर है आइए हम इसे स्पेसिफाई करते हैं हमारे मॉड्यूल्स डॉट हेलो डॉट एन एफ फ़ाइल में ताकि इस बार जो भी आउटपुट आता है हम उसे एक्सप्लिसिटली यूज़ कर सकें जैसे कन्वर्ट टू अपर का आउटपुट ये है चंक फाइल्स हमारे स्प्लिट लेटर्स का आउटपुट है तो हम यहाँ पर चंक फाइल्स कह कर इसे कॉल कर सकते हैं इसे रिफैक्टर कर सकते हैं बिल्कुल सही अब देखते हैं हम एक और ट्रिक कि अगर आपके एक मॉड्यूल में से दो या तीन तरह से आउटपुट आ रहे होंगे शायद आपको याद हो कल का कल हमने देखा था कि एनएफ कोड मॉड्यूल्स इन्फो टूल जो है जो ये कमांड है इसके थ्रू आप एक मॉड्यूल के इनपुट्स और आउटपुट्स और कॉन्टेक्चुअल इन्फॉमेशन देख सकते हैं तो ज़्यादातर एन कोर मॉड्यूल्स जो हैं वो मल्टीपल इनपुट लेते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स देते हैं तो अगर आपके केस में मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट हैं आपके मॉड्यूल्स के केस में तो आप कैसे डील कर सकते हैं पहली बात आप नेम्ड आउटपुट्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे आपने ये एक और आउटपुट करा जैसे हम कह सकते हैं चंक ए अभी के लिए देखते हैं चंक ए और इसको हम एमिट करते हैं चंक ए के नाम से ही चलिए अगर आ, हम इसे ऐसे एमिट ना करें हम इसे अननेम्ड रखते हैं तो तो भी हमारा वर्क फ्लो वैलिड है अभी क्योंकि हमने इसे कहीं पे इंटीग्रेट नहीं करा लेकिन अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसे इंटीग्रेट करेंगे आइए अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं आ, खाली हम उसका आउटपुट उसके आउटपुट को देखेंगे हमारा स्प्लिट लेटर्स का आउटपुट नंबर टू उसको हम व्यू करते हैं तो हमें असल में आउट वन और डॉट व्यू इसके अंदर हम थोड़ा इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हैं अन नेम्ड आउटपुट और indexed नोटेशन आइए हम इसे अब रन करके देखते हैं तो इस हिसाब से हम देख सकते देख सकते हैं कि अगर हम एक आउटपुट को स्पेसिफिक नेम देते हैं तो हम नेम का भी यूज यूज कर सकते हैं नहीं तो हम एक सिंपल uh, जो हमारे अरे नोटेशन होती है या लिस्ट नोटेशन होती है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं तो इसके साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और जो ऑल्टरनेटिव नोटेशन मैंने आपको बताई थी अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं आप हम उसे यूज़ तो चलिए इस लाइन को कमेंट कर देते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करके और इसे इस सेक्शन को कॉपी करके हम यहाँ पर पाइप करते हैं तो अगर आप यूनिक्स यूज़ करते हैं या लिनक्स कमांड लाइन यूज़ करते हैं तो आपको पाइपिंग का एक्सपीरियंस होगा हम बस सेम आ, सेम फॉर्मेट या सेम आ, कंस्ट्रक्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो अब अगर आप इसे यूज़ करें आ, इसे रन करें इस फाइल को तो आप देखेंगे कि बिहेवियर सेम है इसकी वजह से शायद अब कोड जो है ज़्यादा रीडेबल है तो हो सकता है कि आप किसी किसी केसेस में आप पाइपिंग फॉर्मेट पसंद करें या दूसरे केसेस में आप एक्सप्लिसिट कॉलिंग फॉर्मेट पसंद करें तो यह आपके डिज़ाइन चॉइसेस uh, के ऊपर है इसके बाद अब हम बात करते हैं वर्क फ्लो डेफिनेशनस की uh, अभी तक हमने हर पाइपलाइन में एक ही वर्क फ्लो रखा है लेकिन नेक्स्ट फ्लो जो है आपको कोई लिमिटेशन आपके ऊपर इम्पोज नहीं करता आप बहुत सारे वर्क फ्लो जो है एक वर्क फ्लो के एक वर्क फ्लो के अंदर कॉल कर सकते हैं आ, उसके साथ साथ एक नेम्ड वर्क फ्लो का कॉन्सेप्ट है आ, जिसे आप यूज कर सकते हैं माई इस, इस वर्क फ्लो का नाम मैं अभी देता हूँ माई सब वर्क फ्लो और इस वर्क फ्लो को अब अगर मैं रन करूँगा इस फाइल को तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि नेम्ड वर्क फ्लो जो होता है वो बाई डिफॉल्ट मेन एंट्री पॉइंट नहीं है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट फ्लो ने हमें वार्निंग दी अगर मैं इसे नेक्स्ट फ्लो कमांड लाइन को मैं एक्सप्लिसिटली बताना चाहता हूँ कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या है तब जाके ये सब वर्क फ्लो को माई सब वर्क फ्लो वर्क फ्लो को यूज करके ये नेक्स्ट फ्लो जो है हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा अब देखिए इस बार जो है हमारे वर्क फ्लो वो का नाम भी मॉड्यूल के नाम के आगे जुड़ के आने लग गया है तो ये ही रीज़न है कि जब आप एन एफ कोर पाइपलाइंस को रन करते हैं आप यहाँ पर एन एफ कोर देखते हैं और दूसरे आप देखते हैं सब वर्क फ्लो वो का नाम उसके बाद देखते हैं मॉड्यूल का नाम और फिर टैग तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये एन एफ़ कोर मॉड्यूल्स और सब वर्क फ्लो प्रोजेक्ट जो है इन चीज़ों पर बिल्ड करता है और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं वर्क फ्लो इनपुट आउटपुट और नेम्ड uh, आउटपुट्स पर हमने वर्क फ्लो इनपुट्स की बात करी थी uh, uh, अभी तक हमने वर्क फ्लो इनपुट्स की बात नहीं करी लेकिन हम इस कोड को कॉपी करके अब यहाँ पर पेश कर सकते हैं और असल में अगर आप वर्क uh, फ्लोज़ को वर्क uh, अभी मेरे को हम क्या करते हैं वापस हेलो डॉट एन के वर्क को देखते हैं फिर हम बात करते हैं नीम्ड uh, उसके इनपुट वर्क की तो यहाँ पर इस वर्क का इनपुट कुछ नहीं है लेकिन जो ये प्रोसेस है इसके पास हमने डायरेक्ट इनपुट दिया है लेकिन हो सकता है कि अगर हम सब वर्क को डिज़ाइन कर रहे हैं तो सब वर्क की जो डिज़ाइन है वो भी हम मॉड्यूल की तरह ट्रीट करें तो अगर uh, आप ऐसे डिक्लेयर करें वर्क फ्लो माई सब डब्ल्यू एफ और इसके साथ आप टेक कमांड को यूज़ करके और मेन कमांड को मेन uh, डायरेक्टिव को यूज़ करके इसके साथ एमिट डायरेक्टिव को यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हैं या एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं कि इनपुट चैनल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर मेन लॉजिक ऐड कर सकते हैं और इस जमिट एमिट के डायरेक्टिव के साथ या एमिट ब्लॉक के साथ आप बता सकते हैं कि इस वर्क फ्लो के आउटपुट क्या होगा तो जो वर्क फ्लो की डिज़ाइन है मॉड्यूल्स की डिज़ाइन को मिरर करता है और मॉड्यूल में जो इनपुट है वर्क फ्लो के जब हम वर्क फ्लो लेवल पर आते हैं हम उसे टेक कहते हैं और जो मॉड्यूल का स्क्रिप्ट है हम वर्क फ्लो लेवल पर मेन कहते हैं और जो मॉड्यूल का आउटपुट है उसे हम वर्क फ्लो लेवल पर एमिट कहते हैं तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आप सेम वर्क फ्लो को अगर आप इसे पैरामीटराइज करना चाहें तो आप इस ग्रीटिंग को लेकर उसके इनपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब भी आप माई पाइपलाइन सब वर्क फ्लो को कॉल करेंगे तब आपको जो है ग्रीटिंग ग्रीटिंग चैनल प्रोवाइड करना होगा उसी तरह से, तरीके से हमने हम जो है एमिट को भी यूज़ कर सकते हैं कि uh, जैसे एक वर्क फ्लो सब वर्क फ्लो है उसका इनपुट और आउटपुट का कॉन्ट्रैक्ट या उसका जो शेप है आप उसे सेट कर सकते हैं यहाँ पर इस एक ये जो सब वर्क फ्लो है एक एक चैनल को एमिट करता है जो कि बिल्कुल सेम है कन्वर्ट टू अपर के आउटपुट चैनल की तरह तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सब वर्क फ्लोज को सब वर्क फ्लोज के जो आउटपुट है उसके ऊपर भी ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सब वर्क फ्लोज़ का इनपुट और आउटपुट भी चैनल ही है बिल्कुल मॉड्यूल्स की तरह तो इसके बाद हमने नेम्ड वर्क अभी देख लिया है पहले ही उसके बाद पैरामीटर स्कोप्स ये चीज़ हम जल्दी से कवर करते हैं आ, हम यहाँ पर अगर मॉड्यूल्स को मॉड्यूल्स फोल के फाइल में जाकर इस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और अगर हम इसे रन करने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या होगा इसके साथ साथ हमें अपनी हेलो स्क्रिप्ट को भी चेंज करना होगा अब हम देखते हैं इस मॉड्यूल को रन करने के लिए इस इस हेलो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें रन uh, करने का हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा तो देखिए हमने से हेलो जो है मॉड्यूल से इंपोर्ट करा था और से हेलो को यहाँ पे इन्वोक कराया डिफॉल्ट वर्कफ्लो के अंदर तो अगर हम से हेलो की डेफिनेशन देखें तो ये प्रोसेस नहीं है ये एक फंक्शन है ये नॉर्मल ग्रूवी लैंग्वेज का फंक्शन है जो कि हमने एक प्रोसेस की तरह इंपोर्ट करा है अपने वर्क फ्लो में और यूज़ करा है तो आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट फ्लो का मॉडुलराइजेशन कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही जेनेरिक है और आप आ, जो भी आपके जेसन लैंग्वेज के फंक्शंस हों या फिर वाई एम पार्सिंग के फंक्शंस हों या कुछ भी जावा लाइब्रेरी आपने यूज़ करी हो उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर कर आप उसे मॉड्यूल में ऐड कर सकते हैं इसके साथ Uh, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर एक मॉड्यूल का खुद का पैरामीटर हो सकता है uh, हम अगर अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पर चेंज करें आप ये देख सकते हैं कि ऐड पैरामीटर्स जो है इस uh, इस स्टेटमेंट uh, का यूज़ करके हम उस मॉड्यूल के डिफॉल्ट पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं या ओवर कर सकते हैं अब आप मॉड्यूल्स के अंदर आके देखें तो हमें इसकी भी डेफिनेशन चेंज करनी होगी थोड़ी सी आप यहाँ देख सकते हैं मॉड्यूल्स आ नहीं हमें इसकी डेफिनेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस मॉड्यूल लेवल पैरामीटर में हेलो कहते हैं हम लेकिन जब हमने इसे इंपोर्ट करा एक दूसरे वर्कफ्लो फाइल में तब हमने उस जो डिफ़ॉल्ट वैली है जो मॉड्यूल के लेवल पर सेट हुई है उसे ओवर कर दिया तो आप देखते हैं इस स्क्रिप्ट का रिज़ल्ट क्या होगा अब आप देख सकते हैं इस स्क्रिप्ट का रिज़ल्ट है ओला लेकिन चलिए हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और फ़ू को क्योंकि फू जो है प्राम्स स्कोप के अंदर आता है चाहे वो मॉड्यूल्स के अंदर हो हम फू को ओवर करके देखते हैं माई डिफॉल्ट नाम से और देखते हैं कि हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट कैसा आएगा आप ये देखिए कि जो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के टाइम पर हमने पैरामीटर को ओवर करा था वो हायर प्रायोरिटी पे है उन पैरामीटर से जो कि आप ख़ुद प्रोवाइड करेंगे तो अगर आपको यूज़र फेसिंग पैरामीटर्स बनाने हैं जो कि आप डायनामिकली uh, इंपोर्ट या फिर ओवर uh, करना चाहते हैं तो आपको पैरामीटर्स इस स्क्रिप्ट में प्रोवाइड करने होंगे जैसे पैराम्स डॉट फू तो आप देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आता है आइए आप देख सकते हैं हम कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट हेलो की या फू पैरामीटर की वैल्यू थी वो हमने एक्सप्लिसिटली ओवर कर रही है तो मतलब यहाँ की जो वैल्यू है या जो इस पॉइंट तक हमने डिसाइड करा कि जो हायर प्रायोरिटी की वैल्यू है वो इस मॉड्यूल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सेट हो जाती है जैसे ही मॉड्यूल इम्पोर्ट होता है तो हमने मॉड्यूल की मॉड्यूल पैरामीटर्स की प्रायोरिटी के बारे में भी देखा और इसके साथ हम डी एस एल टू माइग्रेशन नोट्स की तरफ आते हैं जो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब 2023 चल रहा है हो सकता है अगले साल आप आ, 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 जो भी पाइपलाइन आप देखें सब डी एस एल टू में हो लेकिन कुछ पाइपलाइंस अभी भी डी एस एल वन में हैं तो अगर आप उन्हें मॉडर्नाइज़ कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ माइग्रेशन नोट्स हैं वो हमारे ऑफिशियल नेक्स्ट फ्लो डॉक्यूमेंटेशन तक ले जाते हैं आपको और इस पेज के एंड में आके आप वो माइग्रेशन नोट देख सकते हैं इसके साथ साथ नेक्स्ट फ्लो uh, के जो डी एस की डॉक्यूमेंटेशन है वो रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन है और उसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस करी है वो हमारे ट्रेनिंग वीडियो के ट्रेनिंग कंटेंट के साथ साथ डी एस टू के रेफरेंस नोट्स में आपको मिल सकती है और इसके साथ आ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आ, आज हमारे साथ जुड़े आज का सेशन थोड़ा सा लंबा था क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जो है हमने समराइज़ करा है आज और जो हमने पहले बिल्डअप करा था आज हमने उसे कोशिश करी है कि वो कंक्रीट मेमोरी में आ, सेट हो तो आशा करते हैं कि आपको ये ये आपके लिए ये सेशन बहुत हेल्प हेल्पफुल रहा और कल हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्लो आ, के जो एडवांस टॉपिक्स हैं जैसे आ, कस्टम आ, जैसे पोर्टेबिलिटी और कैशिंग ट्रेबल शूटिंग उसके बाद हम नेक्स्ट फ्लो टावर के बारे में जल्दी से बात करेंगे तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आ, कल मिलते हैं